हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है सेंधा सेंधाओ फिल्म के ऊपर हम पूरी डिटेलिंग देने वाले हैं जैसे कि फिल्म कैसे कहां पे आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी इसके अलावा फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक प्रॉपर डिटेलिंग मिलने वाली है फिल्म का एक डिटेल रिव्यू भी किया जाएगा जहाँ पर मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म की स्टार कास्ट सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंस इसके बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारे वीडियो स्टार्ट करते हैं सेंडो जो दो हजार चौबीस की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन ये सभी चीज़ें शैलेश कोल्लानू ने की हुई है सेलिस कोलानो इससे पहले हिट फ्रेंचाइज को डायरेक्ट कर चुके हैं 2020 में उनकी पहली हिट द फर्स्ट केस फिल्म आई थी जो तेलुगु लैंग्वेज फिल्म थी उनका डेब्यू था एच यूनिवर्स का यह पहला इंस्टॉलमेंट था उसके बाद में उन्होंने हिट द फर्स्ट केस का तेलुगु का हिंदी रिमेक बनाया जिसमें उन्होंने राजकुमार राव और सानिया मल्होत्रा को लीड रोल में लेते हुए उस फिल्म को तैयार किया हुआ था और दो में ही उसका एक सिक्वल आया तेलुगु वर्जन में हिट द सेकेंड केस उसके बाद में अभी ये सेंधव फिल्म वो लेके आए हुए थे इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वेंकट बोयनापल्ली ने इस फिल्म को निहारिका एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन पचपन करोड़ जितने हाई बजट के साथ बनाया हुआ था इस फिल्म की कास्टिंग में वेंकटेश नवाजुद्दीन सिद्दकी आर्या श्रद्धा श्रीनाथ रोहान रूहानी शर्मा और एंड्रिया जेरिमिया जैसे एक्टर्स लीड रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म को निहारिका एंटरटेनमेंट के ही द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था तेलुगू वर्जन में वैसे इस फिल्म को इनिशियली पेन इंडिया लेवल ले के ऊपर रिलीज़ करने वाले थे लेटर ऑन चीज़ें थोड़ी चेंज हुई और उसके बाद में इस फिल्म को सिर्फ तेलगू वर्ज़न में रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म के टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी एस मणिकंदन ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग गेरी बी एच ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक सौ अड़तीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे अट्ठारह मिनट का रन टाइम दिया हुआ है वैसे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन में उसमें गाने चॉप ऑफ किए हुए कुछ ऐसी चीज़ें जो कट ऑफ किए हुए जिसके चलते वो फिल्म हिंदी वर्जन में एक सौ अट्ठारह मिनट की रही है यानी कि एक घंटे अट्ठावन मिनट लंबी फिल्म आपको हिंदी वर्जन अब बात कर लेते इस फिल्म के तो म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर संतोष नारायण के द्वारा इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे के वैसे गाने तो कोई थे नहीं म्यूजिक के ऊपर ज़्यादातर इस फिल्म ने बैकग्राउंड हुआ था बाकी तो फिल्म का जो सभी म्यूजिक का डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से संतोष नारायण ने ही वैसे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स थे वो सारे गमा वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म में अलग अलग ट्रैक आपको सुनने को मिल जाएंगे उसके ऊपर हम अभी चर्चा करने वाले तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं अब कास्टिंग के ऊपर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर में काफ़ी बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे वैसे इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको वेंकटेश देखने को मिलते हैं जिन्होंने सेंधव कोनेरू या कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने विकास मलिक का रोल प्ले किया हुआ है आर्या आपको इस फिल्म में मानस का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा इस फिल्म में श्रद्धा श्रीनाथ ने मंगोकिया का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा रूहानी शर्मा इस फिल्म में डॉक्टर रेणु का रो प्ले करते हुए नज़र आएगी एंड्रिया जेरिमिया ने इस फिल्म में जासमिन का रोल प्ले किया हुआ है जिसु सेन गुप्ता माइकल का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे मुकेश ऋषि ने इस फिल्म में विश्वामित्रा यानी कि मित्रा का रोल प्ले किया हुआ है जया प्रकाश ने इस फिल्म में मूर्ति का रोल प्ले किया हुआ है गेटअप रेणु रमेश का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो करीबन 23 जनवरी 2023 को अनाउंस किया गया था कि वेंकटेश दगुबाती और शैलेश कोलानू एक फिल्म में कोलोबरेट करने वाले जहाँ पे वेंकी सेवेंटी फाइव टेंटेटिव टाइटल के साथ फिल्म को अनाउंस किया था 25 जनवरी को इस फिल्म का टाइटल अनाउंस किया गया था दो दिन बाद मेकर्स ने अनाउंस किया कि फिल्म सेंधव नाम के साथ आपको रिलीज होती हुई नजर आएगी तब टाइटल के वक्त एक टाइटल पोस्टर और क्लिम्स भी रिलीज़ किया हुआ था वैसे इस फिल्म के कई पोर्शंस को शूट किया हुआ है श्रीलंका में अलग अलग लोकेशंस में उसके बाद में उगाड़ी के मौके के ऊपर कन्फर्म किया कि ये फिल्म बाईस दिसंबर दो को रिलीज़ होने वाली है उसके बाद में इस फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट करवा दिया गया था पहला शेड्यूल था वो हैदराबाद में रखा हुआ था वहाँ पे उसको पूरी तरह से ब्रेपअप किया था उसके बाद में अप्रैल महीने में इस फिल्म को सेकंड शेड्यूल के लिए विकास विशाखापट्टनम में भी ले जाया गया था उसके बाद में एक दो और शेड्यूल्स सी इस फिल्म के अलग अलग लोकेशंस में रहे थे वैसे हैदराबाद में इस फिल्म का पेच वर्क का काम कम्प्लीट किया था उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग एडिटिंग और वे एफ इन सभी चीज़ों के ऊपर काम करवाते हुए इस फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया था वैसे जैसे कि मैंने कहा कि फ़िल्म पहले दो uh, 2023 में रिलीज़ होने वाली थी लेकिन प्रोडक्शन का काम डिले होने की वजह से बाद में इस फिल्म को दो हज़ार के लिए पूस्ट किया हुआ था वैसे इनिशियली फिल्म कई सारे लैंग्वेजेस में रिलीज़ होने वाली थी लेटर उन्होंने फिल्म तेलुगू के साथ हिंदी तमिल लैंग्वेज में रिलीज़ करने का फ़ैसला लिया हुआ था अब बात कर लेते इस फिल्म की कहानी के ऊपर उससे पहले मैं आपको म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर ज़रा जानकारी दे देता हूँ सारे गमा वालों ने म्यूज़िक के राइट्स ख़रीदे हुए तेलुगु तमिल हिंदी सभी वर्जन्स के लिए जहाँ पे इस फिल्म में टोटल आपको पांच ट्रैक सुनने को मिलते हैं जिसको संतोष नारायणन ने कन्फर्म कम्पोज कं, कं, किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के साउंड ट्रैक में आपको पहला गाना सुनने को मिलेगा रॉन्ग यूजेस जिसको नकाशरीज ने गाया हुआ है चंद्र बोस ने लिखा हुआ था संतोष नारायण ने म्यूज़िक दिया हुआ था सरदा सरदंगा गाने को अनुराग कुलकर्णी ने लिखा हुआ था राम शास्त्री ने सॉरी राम शास्त्री ने लिखा था अनुराग कुलकर्णी ने गाया था और संतोष नारायण ने म्यूजिक दिया हुआ था बुज्जी कुंडावे गाने को एस चरण ने लिखा हुआ था राम जोगे शास्त्री ने म्यूजिक दिया था सॉरी राम शास्त्री ने।, ने लिखा हुआ था और संतोष नारायण ने म्यूजिक दिया हुआ था थर्ड सिंगल यानी कि का मरुदी जिसको पृथ्वी चंद्र ने गाया हुआ था कृष्णकांत ने लिखा हुआ था और संतोष नारायण ने म्यूजिक दिया हुआ था एक गाना और था सिंपल जेंटल उस गाने का म्यूजिक संतोष नारायण ने ही दिया हुआ था तो ये इस तरह से टोटल पांच ट्रैक थे इसको अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनना है तो सुनने को मिल जाएंगे सारे गमा तेलुगु यूट्यूब चैनल के ऊपर तेलगू वर्जन में इसके दूसरे वर्जन के चैनल के ऊपर हिंदी तमिल वर्ज़न भी सुनने को मिल जाएंगे जनवरी पंद्रह को इस फिल्म के सभी गानों को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया था पंद्रह जनवरी दो को यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सारे गमा के द्वारा अब हम बात कर लेते इस फिल्म के कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की जो कहानी है वो एक फ़िक्शनल सिटी रखा हुआ है चंद्रप्रस्था वहाँ पे सेट किए हुए मूवी पूरी तरह से सैन सैंद, सा सैनधव कोरू के इर्द घूमती रहती है ए के साइको के इर्द जिसका रोल वेंकटेश प्ले कर रहे हैं वो क्रेन ऑपरेटर का, का काम कर रहे कस्टम डिपार्टमेंट में सेंधव की एक बेटी है जहाँ पे उसका नाम है गायत्री वो रोल बेबी सारा पालेकर प्ले कर रही है जहाँ पे उसका जो पूरा देख रेख है वो श्रद्धा श्रीनाथ का किरदार मानविया ध्यान रखती है इसके अलावा वो एक कैब ड्राइवर है किसी एक दिन गायत्री स्कूल से जाती है उसके बाद में वहाँ पे वो पूरी तरह से बेहोश हो जाते है। उसके बाद में उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है उसके बाद में पता चलता है कि गायत्री एक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी करके कैसे में करके जो बीमारी है उससे सफ़र कर रही है डॉक्टर के द्वारा जब ये रिवील होता है तो पूरी चीज़ें रिवील की जाती है जहाँ पर बताया जाता है कि गायत्री को अगर इस बीमारी से बाहर निकलना है तो उसको एक इंजेक्शन लगेगा जिसकी कॉस्ट है सत्रह करोड़ तो अब संद इन चीज़ों को सोल्व करने के लिए आगे क्या करेगा क्या अपनी बेटी को बचा पाएगा इसके अलावा इस फिल्म में मित्रा का एक रोल दिखाया गया है मुकेश रईसी वो प्ले कर रहे उसका और सेंधव का क्या कनेक्शन है किस तरह से ये सब पूरी कहानी है जो कार्टेल डीलिंग है ड्रग्स और वेपन्स की वहाँ पे चली जाती है वो सब सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म के प्लास्ट पॉइंट में विक्ट्री वेंकटेश आपको डेफिनेटली नजर आएंगे इस फिल्म में पूरी तरह से वो कन्विक्सन के साथ आ, अपने रोल को निभाते हुए नज़र आते ये फिल्म की जो कहानी है उसमें हार्ट एंड सोल वही है जिस तरह से पूरी फिल्म को अपने कंधे पे उन्होंने चलाया हुआ था वो लाजवाब था उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनके डायलॉग डिलीवरी एक्शन सीक्वेंस में उनका जो काम था वो सभी चीज़ें फिल्म को और बेहतर बनाती है कुछ इमोशनल सीन्स देखने को मिलते वहाँ पे वेंकटेश ने यूजली जिस तरह से वो काम करते ठीक उसी तरह बढ़िया काम देते हुए नज़र आते फिल्म के लास्ट हाफ एन आवर में आपको कई एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं वो काफ़ी एंगेजिंग नज़र आते हैं वेंकटेश के द्वारा जो एक्शन अवतार आपको सेकंड हाफ में देखने को मिलता है वो लाजवाब है बुझी कोंडावे जो गाना सुनने को मिलता है डेफिनेटली उस स्क्रीन में आपको अट्रैक्ट करेगा अच्छा अपील करेगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो इस फिल्म में एक विलन के साथ एक फ़न एलिमेंट ट्राई करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर वो कुछ जगह पर हमें डेफिनेटली हंसाने में कामयाब रहते इसके अलावा सेंधव के मेकर्स के द्वारा इस फिल्म में एक अवेयरनेस देने की कोशिश की हुई है ऐसे में जो डिजीज़ है उसके ऊपर तो एन को उसमें किस तरह से कंट्रीब्यूशन आप कर सकते उन सभी चीज़ों के ऊपर जो एक अच्छी बात है उन्होंने एक अच्छी तरीके से मैसेज इंसर्ट किया हुआ था फाइट सीक्वेंस को जिस तरह से कोरियोग्राफर्स के द्वारा कंपोज़ किया गया वो बढ़िया है सिनेमेटोग्राफी लाजवाब थी सभी एक्शन सीक्वेंस को सभी मूवी के पूरे टोनालिटी को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था इंटरवल एक्शन सेट पीस आपको जो देखने को मिलता है वो पूरी फिल्म में स्टैंड स्टैंडआउट लगता है अलग ही नज़र आ जाता है जो काफ़ी बढ़िया था इस फिल्म का देखा जाए तो जो आइडिया था जो मैसेज था उसमें एक अच्छा खासा पोटेंशियल था अगर अगर डायरेक्टर इस चीज़ को इसको नरेशन को थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाते तो बेहतर होता क्योंकि स्क्रीन प्ले काफ़ी मोस्ट ऑफ पार्ट में फ्लेट जाता हुआ नज़र आता है जिस तरह से जो वर्ल्ड बिल्ड किया हुआ है वो पूरी तरह से अपील नज़र नहीं आता है उसमें और बेहतर काम किया जा सकता था फर्स्ट हाफ काफ़ी स्लो नज़र आता है उसमें कोई एक्साइटमेंट नज़र नहीं आती कई जगह पर फिल्म डल नज़र आती है फर्स्ट हाफ़ में इसके अलावा इस फिल्म में कई ऐसे एक्टर्स देखने को मिलते जो एक कैरेक्टराइजेशन उनका अगर बेहतर रहता तो चीज़ें अलग लेवल पे ले जाते ज, जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इस फिल्म में एक रोल दिया गया है उस रोल के थ्रू उनको पूरा वेस्ट किया हुआ है एज एक्टर के तौर पे वो काफ़ी बढ़िया एक्टर हैं वैसे उन्होंने इस रोल के साथ अपना बेस्ट देने की कोशिश की हुई लेकिन रोल ही इतना त्रे, उसका ट्रेक ही उतना वीक था जिसके चलते वो रोल के थ्रू वो उतना कुछ खास कर नहीं पाते एंड्री जेरे मिया श्रद्धा श्रीनाथ रूहानी शर्मा जिसुसेन गुप्ता आर्या मुकेश ऋषि जया प्रकाश इनको जो रोल दिए गए थे उसको थोड़ा और बेहतर तरीके से और मजबूती के साथ कहानी में डाला जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म में लॉजिक की आपको डेफिनेटली कमी नज़र आएगी कई जगह पे कई सारे लूपोल्स नजर आएंगे इसके अलावा फिल्म में जो एक्शन सीक्वेंस देखा देखने को मिलता है वहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर था वो चीज़ों को एनहेंस करने की कोशिश करता है लेकिन बैकग्राउंड्स को जिस तरह तो संतोष नारायण ने डिज़ाइन किया हुआ था वो सभी जगह पे वर्क नहीं कर पाता है एक्सन ब्लॉक में अगर बैकग्राउंड स्कोर बेहतर होता तो चीज़ें और म्यूज़िक की वजह से उन सीन्स में निखर के आ सकती थी कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट में चीज़ें और बेहतर हो सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी जान जानदार थी फिक्सनल सिटी जो तैयार किया गया था वहाँ पे जो बारीक की डिटेल के साथ चीज़ों को हमारे सामने पेश किया गया था आर्ट डायरेक्शन के थ्रू वो काफ़ी बढ़िया था सिनेमेटोग्राफर ने डेफिनेटली उस फिक्सनल विलेज को हमारे सामने बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ था एक आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है जो फिल्म में वो पूरी तरह से इंप्रेसिव था बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का अच्छा था लेकिन थोड़ा और बेहतर हो सकता था एडिटिंग फिल्म की ठीक ठाक है डिजाइन एडिटिंग देखने को मिलती है डायरेक्टर शैलेश कौनला इस फिल्म के साथ इस कॉन्सेप्ट के साथ एक अच्छा काम कर सकते थे लेकिन वो मिस करते हुए नजर आते कैरेक्टराइजेशन थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था कुल cool मिला के सैन एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आने वाली फिल्म थी जहाँ पे एक अच्छा मैसेज भी डिलीवर किया गया था वेंकटेश की अच्छी परफॉर्मेंसेज थी एक्शन सीक्वेंस अच्छे थे लेकिन इसके अलावा एक्टर्स दूसरे जो कास्ट किए गए थे उनके रोल्स बढ़िया नहीं लिखे गए थे इस फिल्म का नरेशन काफ़ी फ्लैट नज़र आता है वहीं पर कुछ चीज़ें हैं जो इमोशनल सीन्स है उसको बेहतर तरीके से हमारे सामने डिज़ाइन करके दिखाया जा सकता था अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी बिलो रखोगे लो रखोगे तो डेफिनेटली फिल्म आप देख सकते हो वैसे इस फिल्म से ज़्यादा कुछ उम्मीद मत रखिएगा सिंधु फिल्म के ऊपर अब बातचीत करें तो इस फिल्म को थिएट्रिकली 13 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था संक्रांति के मौके के ऊपर तेलुगु हिंदी तमिल तीन वर्जन में हिंदी वर्जन आर्केड स्टूडियो के द्वारा डब करके रिलीज करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला जिसके चलते आई पे के ऊपर आई के ऊपर 1300 वोट हासिल किए जिसमें 50 के पाँच की रेटिंग हासिल हुई 10 में से और इस फिल्म ने 55 करोड़ के बजट के सामने सिर्फ 25 करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन किया लाइफ टाइम का और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी जिसके ओ राइट्स थे वो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए थे सेटेलाइट राइट्स ई वालों ने खरीदे हुए थे तेलुगु तमिल वर्जनस के लिए जहाँ पे तेलुगु वर्जन अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर उन्होंने तीन फरवरी दो को रिलीज़ करवा दिया था हिंदी डब वर्जन के राइट्स डेफिनेटली आरकेडी स्टूडियोज़ के पास थे जिन्होंने इस फिल्म के हिंदी सैटेलाइट राइट्स से जियो सिनेमा को बेचे हिंदी ओ राइट्स थे वो खरीदे हुए थे कलर्स सिनेप्लेक्स वालों ने अब इस फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो सेंदो फिल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर तेलुगु तमिल दो वर्जन में आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इसके अलावा तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम डब्ड वर्जन में भी अवेलेबल करवा दिया है वहाँ पे वहाँ पे ये सभी वर्जन चारों वर्जन साउथ इंडियन वाले इंजॉय कर सकते हो और तेलुगु सेटेलाइट वर्जन आपको ई टी वी टेलीविजन चैनल के ऊपर ई टी वी तेलुगु के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहीं पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो आर के डी स्टूडियोज के द्वारा डब करवाया हुआ था जियो सिनेमा ने इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है विथ इंग्लिश सब टाइटल जहाँ पे इस फिल्म को आसानी से आप फ्री में इन, हिंदी डब में विदाउट लॉग इन इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में कलर सिनेप्लेक्स टेलीविज़न चैनल के ऊपर प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सेंधव फिल्म के आपको साउथ इंडियन वर्जन से वो देखने को मिल जाएंगे अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर वहाँ पे फिल्म आपको तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी इसी तरह इस फिल्म का जो तेलुगु सेटेलाइट वर्जन है वो ई टी वी तेलगु टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहीं पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो ऑफिशियली ये फिल्म आपको जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी विदाउट सब्सक्रिप्शन सेंधव नाम के साथ वहीं पर इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा तो इस तरह आप, उफ, से सेंधव फिल्म आपको ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर तेलगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी सेंधव जो दो हजार चौबीस की एक इंडियन तेलुगू लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन ये सभी चीज़ें शैलेश कोल्हानों ने की हुई है सेलिस कोलानो इससे पहले हिट फ्रेंचाइज को डायरेक्ट कर चुके हैं 2020 में उनकी पहली हिट द फर्स्ट केस फिल्म आई थी जो तेलुगु लैंग्वेज फिल्म थी उनका डेब्यू था एच यूनिवर्स का ये पहला इंस्टॉलमेंट था उसके बाद में उन्होंने हिट द फर्स्ट केस का तेलुगु का हिंदी रीमेक बनाया जिसमें उन्होंने राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा को लीड रोल में लेते हुए उस फिल्म को तैयार किया हुआ था और 2022 में ही उसका एक सिक्वल आया तेलुगु वर्जन में हिट द सेकंड केस उसके बाद में अब ये सेंधव फिल्म वो लेके आए हुए थे इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वेंकट बोयनापल्ली ने इस फिल्म को निहारिका एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन पचपन करोड़ जितने हाई बजट के साथ बनाया हुआ था इस फिल्म की कास्टिंग में वेंकटेश नवाजुद्दीन सिद्दीकी आर्या श्रद्धा श्रीनाथ रोहान रूहानी शर्मा और एंड्रिया जेरिमिया जैसे एक्टर्स लीड रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म को निहारिका एंटरटेनमेंट के ही द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था तेलुगु वर्जन में वैसे इस फिल्म को इनिशियली पेन इंडिया लेवल ले के ऊपर रिलीज़ करने वाले थे लेटर ऑन चीज़ें थोड़ी चेंज हुई और उसके बाद में इस फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्ज़न में रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म के टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी एस मणिकंदन ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग गेरी बी ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे अट्ठारह मिनट का रन टाइम दिया हुआ है वैसे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन में उसमें गाने चॉप ऑप किए हुए कुछ ऐसी चीज़ें जो कट ऑफ किए हुए जिसके चलते वो फिल्म हिंदी वर्जन में एक मिनट की रही है यानी कि एक घंटे अट्ठावन मिनट लंबी फिल्म आपको हिंदी वर्जन अब बात कर लेते इस फिल्म के तो म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर संतोष नारायण के द्वारा इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे जहाँ वैसे गाने तो कोई थे नहीं म्यूजिक के ऊपर ज़्यादातर इस फिल्म ने बैकग्राउंड हुआ था बाकी तो फिल्म का जो सभी ये म्यूजिक का डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से संतोष नारायण ने ही सम वैसे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स थे वो सारे गमा वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म में अलग अलग ट्रैक आपको सुनने को मिल जाएंगे उसके ऊपर हम अभी चर्चा करने वाले तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं अब कास्टिंग के ऊपर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर में काफ़ी बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे वैसे इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको वेंकटेश देखने को मिलते हैं जिन्होंने सेंधव कोनेरू यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने विकास मलिक का रोल प्ले किया हुआ है आर्या आपको इस फिल्म में मानस का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे इसके अलावा इस फिल्म में श्रद्धा श्रीनाथ ने मंगोकिया का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा रूहानी शर्मा इस फिल्म में डॉक्टर रेणु का रोल प्ले करते हुए नज़र आएगी एंड्रिया जेरमिया ने इस फिल्म में जासमिन का रोल प्ले किया हुआ है जिसु सेन गुप्ता माइकल का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे मुकेश ऋषि ने इस फिल्म में विश्वामित्रा यानी कि मित्रा का रोल प्ले किया हुआ है जया प्रकाश ने इस फिल्म में मूर्ति का रोल प्ले किया हुआ है गेटअप अपनु रमेश का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो करीबन 23 जनवरी 2023 को अनाउंस किया गया था कि वेंकटेश जगुबाती और शैलेश कोलानू एक फिल्म में कोलोबरेट करने वाले जहाँ पे वेंकी सेवेंटी फाइव टेंटेटिव टाइटल के साथ फिल्म को अनाउंस किया था 25 जनवरी को इस फिल्म का टाइ टाइटल अनाउंस किया गया था दो दिन बाद मेकर्स ने अनाउंस किया कि फिल्म सेंधव नाम के साथ आपको रिलीज़ होती हुई नजर आएगी तब टाइटल के वक्त एक टाइटल पोस्टर और क्लिम्स भी रिलीज़ किया हुआ था वैसे इस फिल्म के कई पोर्शंस को शूट किया हुआ है श्रीलंका में अलग अलग लोकेशंस में उसके बाद में उगाड़ी के मौके के ऊपर कन्फर्म किया कि ये फिल्म बाईस दिसंबर दो को रिलीज़ होने वाली है उसके बाद में इस फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट करवा दिया गया था पहला शेड्यूल था वो हैदराबाद में रखा हुआ था वहाँ पे उसको पूरी तरह से ब्रेपअप किया था उसके बाद में अप्रैल महीने में इस फिल्म को सेकंड शेड्यूल के लिए विकास विशाखापट्टनम में भी ले जाया गया था उसके बाद में एक दो और शेड्यूल्स सी इस फिल्म के अलग अलग लोकेशंस में रहे थे वैसे हैदराबाद में इस फिल्म का पेच वर्क का काम कम्पलीट किया था उसके बाद में म्यूज़िक डबिंग मिक्सिंग एडिटिंग और भी एफेक्स इन सभी चीज़ों के ऊपर काम करवाते हुए इस फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया था वैसे जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म पहले दो 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन प्रोडक्शन का काम डिले होने की वजह से बाद में इस फिल्म को दो के लिए पूस्ट किया हुआ था वैसे इनिशियली फिल्म कई सारे लैंग्वेजेस में रिलीज़ होने वाली थी लेटर उन्हें फिल्म तेलुगू के साथ हिंदी तमिल लैंग्वेज में रिलीज करने का फ़ैसला लिया हुआ था अब बात कर लेते इस फिल्म की कहानी के ऊपर उससे पहले मैं आपको म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर ज़रा जानकारी दे देता हूँ सारे गाँ वालों ने म्यूज़िक के राइट्स खरीदे हुए तेलुगु तमिल हिंदी सभी वर्जनस के लिए जहाँ पे इस फिल्म में टोटल आपको पाँच ट्रैक सुनने को मिलते हैं जिसको संतोष नारायणन ने कन्फर्म कम्पोज कं, किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के साउंड ट्रैक में आपको पहला गाना सुनने को मिलेगा रॉन्ग यूजेस जिसको नकास अजीज ने गाया हुआ है चंद्र बोस ने लिखा हुआ था संतोष नारायण ने म्यूज़िक दिया हुआ था सरदा सरदंगा गाने को अनुराग कुलकर्णी ने लिखा हुआ था राम जोगे शास्त्री ने सॉरी राम जोगे शास्त्री ने लिखा था अनुराग कुलकर्णी ने गाया था और संतोष नारायण ने म्यूजिक दिया हुआ था बुज्जी कोंडावे गाने को एस पी चरण ने लिखा हुआ था रामजोगे शास्त्री ने म्यूजिक दिया था सॉरी राम जोगे शास्त्री ने लिखा हुआ था और संतोष नारायण ने म्यूजिक दिया हुआ था थर्ड सिंगल यानी कि का मरुदी जिसको पृथ्वी चंद्र ने गाया हुआ था कृष्णकांत ने लिखा हुआ था और संतोष नारायण ने म्यूजिक दिया हुआ था एक गाना और था सिंपल जेंटल उस गाने का म्यूजिक संतोष नारायण ने ही दिया हुआ था तो ये इस तरह से टोटल पाँच ट्रैक थे इसको अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनना है तो सुनने को मिल जाएंगे सारे गमा तेलगु यूट्यूब चैनल के ऊपर तेलुगु वर्ज़न में इसके दूसरे वर्जन के चैनल के ऊपर हिंदी तमिल वर्जन भी सुनने को मिल जाएंगे जनवरी पंद्रह को इस फिल्म के सभी गानों को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया था पंद्रह जनवरी दो को यूट्यूब पर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सारे गा के द्वारा अब हम बात कर लेते इस फिल्म के कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की जो कहानी है वो एक फ़िक्सनल सिटी रखा हुआ है चंद्रप्रस्था वहाँ पे सेट किए हुए मूवी पूरी तरह से सैन से, कोने सैनधव कोनेरू के इर्द घूमती रहती है ए के साइको के इर्द गिर्द जिसका रोल वेंकटेश प्ले कर रहे हैं वो क्रेन ऑपरेटर का, का काम कर रहे कस्टम डिपार्टमेंट में सेंधव की एक बेटी है जहाँ पे उसका नाम है गायत्री वो रोल बेबी सारा पालेकर प्ले कर रही है जहाँ पे उसका जो पूरा देख रेख है वो श्रद्धा श्रीनाथ का किरदार मानव ध्यान रखती है इसके अलावा वो एक कैब ड्राइवर है किसी एक दिन गायत्री स्कूल से जाती है उसके बाद में वहाँ पे वो पूरी तरह से बेहोश हो जाते है। उसके बाद में उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है उसके बाद में पता चलता है कि गायत्री एक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी करके कैसे में करके जो बीमारी है उससे सफ़र कर रही है डॉक्टर के द्वारा जब ये रिवील होता है तो पूरी चीज़ें रिवील की जाती है जहाँ पर बताया जाता है कि गायत्री को अगर जी इस बीमारी से बाहर निकलना है तो उसको एक इंजेक्शन लगेगा जिसकी कॉस्ट है सत्रह करोड़ तो अब साइंदा इन चीज़ों को सोल्व करने के लिए आगे क्या करेगा क्या अपनी बेटी को बचा पाएगा इसके अलावा इस फिल्म में मित्रा का एक रोल दिखाया गया है मुकेश रुसी वो प्ले कर रहे उसका और सेंधव का क्या कनेक्शन है किस तरह से ये सब पूरी कहानी है जो कार्टेल डीलिंग है ड्रग्स और वेपन्स की वहाँ पे चली जाती है वो सब सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म के प्लास्ट पॉइंट में विक्ट्री वेंकटेश आपको डेफिनेटली नजर आएंगे इस फिल्म में पूरी तरह से वो कन्विक्सन के साथ आ, अपने रोल को निभाते हुए नज़र आते ये फिल्म की जो कहानी है उसमें हार्ट एंड सोल वही है जिस तरह से पूरी फिल्म को अपने कंधे पे उन्होंने चलाया हुआ था वो लाजवाब था उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनके डायलॉग डिलीवरी एक्शन सिक्वेंस में उनका जो काम था वो सभी चीज़ें फिल्म को और बेहतर बनाती है कुछ इमोशनल सीन्स देखने को मिलते हैं वहाँ पे वेंकटेश ने यूजुअली जिस तरह से वो काम करते ठीक उसी तरह बढ़िया काम देते हुए नजर आते हैं फिल्म के लास्ट हाफ एन ऑवर में आपको कई एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं वो काफ़ी एंगेजिंग नज़र आते हैं वेंकटेश के द्वारा जो एक्शन अवतर आपको सेकंड हाफ में देखने को मिलता है वो लाजवाब बुझी कुंडावे जो गाना सुनने को मिलता है डेफिनेटली उस स्क्रीन में आपको अट्रैक्ट करेगा अच्छा अपील करेगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो इस फिल्म में एक विलन के साथ एक फ़न एलिमेंट ट्राई करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे वो कुछ जगह पे हमें डेफिनेटली हंसाने में कामयाब रहते इसके अलावा सेंधव के मेकर्स के द्वारा इस फिल्म में एक अवेयरनेस देने की कोशिश की हुई ऐसे में जो डिजीज़ है उसके ऊपर तो एन को उसमें किस तरह से कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो उन सभी चीज़ों के ऊपर जो एक अच्छी बात है उन्होंने एक अच्छी तरीके से मैसेज इंसर्ट किया हुआ था फाइट सीक्वेंस को जिस तरह से कोरियोग्राफर्स के द्वारा कंपोज़ किया गया वो बढ़िया है सिनेमेटोग्राफी लाजवाब थी सभी एक्शन सीक्वेंस को सभी मूवी के पूरे टोनालिटी को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था इंटरवल एक्शन सेट पीस आपको जो देखने को मिलता है वो पूरी फिल्म में स्टैंड आउट लगता है अलग ही नज़र आ जाता है जो काफ़ी बढ़िया था इस फिल्म का देखा जाए तो जो आइडिया था जो मैसेज था उसमें एक अच्छा खासा पोटेंशियल था अगर अगर डायरेक्टर इस चीज़ को इसको नरेशन को थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाते तो बेहतर होता क्योंकि स्क्रीन प्ले काफ़ी मोस्ट ऑफ पार्ट में फ्लेट जाता हुआ नज़र आता है जिस तरह से जो वर्ल्ड बिल्ड किया हुआ है वो पूरी तरह से अपील नज़र नहीं आता है उसमें और बेहतर काम किया जा सकता था फर्स्ट हाफ काफ़ी स्लो नज़र आता है उसमें कोई एक्साइटमेंट नज़र नहीं आती कई जगह पर फिल्म डल नज़र आती है फर्स्ट हाफ में इसके अलावा इस फिल्म में कई ऐसे एक्टर्स देखने को मिलते जो एक कैरेक्टराइजेशन उनका अगर बेहतर रहता तो चीज़ें अलग लेवल पे ले जाते ज, जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इस फिल्म में एक रोल दिया गया है उस रोल के थ्रू उनको पूरा वेस्ट किया हुआ है एज एक्टर के तौर पे वो काफ़ी बढ़िया एक्टर हैं वैसे उन्होंने इस रोल के साथ अपना बेस्ट देने की कोशिश की हुई लेकिन रोल ही इतना त्रे, उसका ट्रेक ही उतना वीक था जिसके चलते वो रोल के थ्रू वो उतना कुछ खास कर नहीं पाते एंड्री जेरेमिया श्रद्धा श्रीनाथ रूहानी शर्मा जीसुसेन गुप्ता आर्या मुकेश ऋषि जया प्रकाश इनको जो रोल दिए गए थे उसको थोड़ा और बेहतर तरीके से और मजबूती के साथ कहानी में डाला जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म में लॉजिक की आपको डेफिनेटली कमी नज़र आएगी कई जगह पे कई सारे लूपोल्स नजर आएंगे इसके अलावा फिल्म में जो एक्शन सीक्वेंस देखा देखने को मिलता है वहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर था वो चीज़ों को एनहेंस करने की कोशिश करता है लेकिन बैकग्राउंड स्कोर जिस तरह संतोष नारायण ने डिज़ाइन किया हुआ था वो सभी जगह पे वर्क नहीं कर पाता है एक्सन ब्लॉक में अगर बैकग्राउंड स्कोर बेहतर होता तो चीज़ें और म्यूजिक की वजह से उन सीन्स में निखर के आ सकती थी कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट में चीज़ें और बेहतर हो सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी जान जानदार थी फिक्सनल सिटी जो तैयार किया गया था वहाँ पे जो बारीक की डिटेल के साथ चीज़ों को हमारे सामने पेश किया गया था आर्ट डायरेक्शन के थ्रू वो काफ़ी बढ़िया था सिनेमेटोग्राफर ने डेफिनेटली उस फिक्सनल विलेज को हमारे सामने बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ था एक आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है जो फिल्म में वो पूरी तरह से इंप्रेसिव था बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का अच्छा था लेकिन थोड़ा और बेहतर हो सकता था एडिटिंग फिल्म की ठीक ठाक है डिसाइन एडिटिंग देखने को मिलती है डायरेक्टर शैलेश इस फिल्म के साथ इस कॉन्सेप्ट के साथ एक अच्छा काम कर सकते थे लेकिन वो मिस करते हुए नजर आते कैरेक्टराइजेशन थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था कुल मिला के सैन एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आने वाली फिल्म थी जहाँ पे एक अच्छा मैसेज भी डिलीवर किया गया था वेंकटेश की अच्छी परफॉर्मेंसिस थी एक्शन सीक्वेंस अच्छे थे लेकिन इसके अलावा एक्ट्रेस दूसरे जो कास्ट किए गए थे उनके रोल्स बढ़िया नहीं लिखे गए थे इस फिल्म का नरेशन काफ़ी फ्लैट नज़र आता है वहीं पर कुछ चीज़ें हैं जो इमोशनल सीस है उसको बेहतर तरीके से हमारे सामने डिजाइन करके दिखाया जा सकता था अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी बिलो रखोगे लो रखोगे तो डेफिनेटली फिल्म आप देख सकते हो वैसे इस फिल्म से ज़्यादा कुछ उम्मीद मत रखिएगा सिंधु फिल्म के ऊपर अब बातचीत करें तो आ, इस फिल्म को थिएट्रिकली 13 जनवरी 2024 को रिलीज़ किया गया था संक्रांति के मौके के ऊपर तेलुगु हिंदी तमिल तीन वर्जन में हिंदी वर्जन आर्के स्टूडियो के द्वारा डब करके रिलीज़ करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला जिसके चलते आई पे के ऊपर आई के ऊपर 1300 वोट हासिल किए जिसमें 50 के पाँच की रेटिंग हासिल हुई 10 में से और इस फिल्म ने 55 करोड़ के बजट के सामने सिर्फ 25 करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन किया लाइफ टाइम का और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी जिसके ओ राइट्स थे वो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए थे सेटेलाइट राइट्स ई वालों ने खरीदे हुए थे तेलुगु तमिल वर्जनस के लिए जहाँ पे तेलुगु वर्जन अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर उन्होंने तीन फरवरी दो को रिलीज करवा दिया था हिंदी डब वर्जन के राइट्स डेफिनेटली आर के डी स्टूडियोज़ के पास थे जिन्होंने इस फिल्म के हिंदी सैटेलाइट राइट्स से जियो सिनेमा को बेचे हिंदी ओटीटी राइट्स थे वो खरीदे हुए थे कलर्स सिनेप्लेक्स वालों ने अब इस फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो सेंदो फिल्म को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर तेलुगु तमिल दो वर्जन में आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इसके अलावा तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम डब्ड वर्जन में भी अवेलेबल करवा दिया है वहाँ पे वहाँ पे ये सभी वर्जन चारों वर्जन साउथ इंडियन वाले इन्जॉय कर सकते हो और तेलुगु सेटेलाइट वर्जन आपको ई टी टेलीविज़न चैनल के ऊपर ई टी के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहीं पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो आर डी स्टूडियोज़ के द्वारा डब करवाया हुआ था जियो सिनेमा ने इस फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है विथ इंग्लिश सब जहाँ पे इस फिल्म को आसानी से आप फ्री में इन, हिंदी डब में विदाउट लॉग इन इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सेंदव फिल्म के आपको साउथ इंडियन वर्जन से वो देखने को मिल जाएंगे अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर वहाँ पे फिल्म आपको तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी इसी तरह इस फिल्म का जो तेलगू सैटेलाइट वर्जन है वो ई टी वी तेलगू टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहीं पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो ऑफिशियली ये फिल्म आपको जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी विदाउट सब्सक्रिप्सन सेंदव नाम के साथ वहीं पर इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में कलर सिनेप्लेक्स टेलीविज़न चैनल के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से सेंधव फिल्म आपको ऑफिशियली और टी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी सेंधव जो दो की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन ये सभी चीज़ें शैलेश कोल्हानो ने की हुई है सेलिस कोलानो इससे पहले हिट फ्रेंचाइज को डायरेक्ट कर चुके हैं दो में उनकी पहली हिट द फर्स्ट केस फिल्म आई थी जो तेलुगु लैंग्वेज फिल्म थी उनका डेब्यू था एच यूनिवर्स का ये पहला इंस्टॉलमेंट था उसके बाद में उन्होंने हिट द फर्स्ट केस का तेलुगु का हिंदी रीमेक बनाया जिसमें उन्होंने राजकुमार राव और सानिया मल्होत्रा को लीड रोल मिले थे उस फिल्म को तैयार किया हुआ था और 2022 में ही उसका एक सिक्वल आया तेलुगु वर्जन में हिट द सेकंड केस उसके बाद में अब ये सेंधव फिल्म वो लेके आए हुए थे इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वेंकट बोयनापल्ली ने इस फिल्म को निहारिका एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन पचपन करोड़ जितने हाई बजट के साथ बनाया हुआ था इस फिल्म की कास्टिंग में वेंकटेश नवाजुद्दीन सिद्दकी आर्या श्रद्धा श्रीनाथ रोहान रूहानी शर्मा और एंड्रिया जेरिमिया जैसे एक्टर्स लीड रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म को निहारिका एंटरटेनमेंट के ही द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था तेलुगु वर्जन में वैसे इस फिल्म को इनिशियली पेन इंडिया लेवल ले के ऊपर रिलीज़ करने वाले थे लेटर ऑन चीज़ें थोड़ी चेंज हुई और उसके बाद में इस फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्ज़न में रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म के टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी एस मणिकंदन ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग गेरी बी एच ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक सौ अड़तीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे अट्ठारह मिनट का रन टाइम दिया हुआ है वैसे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन में उसमें गाने चॉप ऑफ किए हुए कुछ ऐसी चीज़ें जो कट ऑफ किए हुए जिसके चलते वो फिल्म हिंदी वर्जन में एक सौ अट्ठारह मिनट की रही है यानी कि एक घंटे अट्ठावन मिनट लंबी फिल्म आपको हिंदी वर्जन अब बात कर लेते इस फिल्म के तो म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर संतोष नारायण के द्वारा इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे जहाँ वैसे गाने तो कोई थे नहीं म्यूजिक के ऊपर ज़्यादातर इस फिल्म ने बैकग्राउंड हुआ था बाकी तो फिल्म का जो सभी म्यूजिक का डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से संतोष नारायण ने ही वैसे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स थे वो सारे गमा वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म में अलग अलग ट्रैक आपको सुनने को मिल जाएंगे उसके ऊपर हम अभी चर्चा करने वाले तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं अब कास्टिंग के ऊपर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर में काफ़ी बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे वैसे इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको वेंकटेश देखने को मिलते जिन्होंने सेंधव कोनेरू यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने विकास मलिक का रोल प्ले किया हुआ है आर्या आपको इस फिल्म में मानस का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा इस फिल्म में श्रद्धा श्रीनाथ ने मंगोकिया का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा रूहानी शर्मा इस फिल्म में डॉक्टर रेणु का रोल प्ले करते हुए नज़र आएगी एंड्रिया एजेरमिया ने इस फिल्म में जासमिन का रोल प्ले किया हुआ है जिसु सेन गुप्ता माइकल का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे मुकेश ऋषि ने इस फिल्म में विश्वा यानी कि मित्रा का रोल प्ले किया हुआ है जया प्रकाश ने इस फिल्म में मूर्ति का रोल प्ले किया हुआ है गेटअप रेणु रमेश का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो करीबन 23 जनवरी 2023 को अनाउंस किया गया था कि वेंकटेश दगुबाती और शैलेश कोलानू एक फिल्म में कोलाबरेट करने वाले जहाँ पे वेंकी सेवेंटी फाइव टेंटेटिव टाइटल के साथ फिल्म को अनाउंस किया था 25 जनवरी को इस फिल्म का टाइटल अनाउंस किया गया था दो दिन बाद मेकर्स ने अनाउंस किया कि फिल्म सेंधव नाम के साथ आपको रिलीज़ होती हुई नजर आएगी तब टाइटल के वक्त एक टाइटल पोस्टर और क्लिम्स भी रिलीज़ किया हुआ था वैसे इस फिल्म के कई पोर्शंस को शूट किया हुआ है श्रीलंका में अलग अलग लोकेशंस में उसके बाद में उगाड़ी के मौके के ऊपर कंफर्म किया कि ये फिल्म 22 दिसंबर 2023 को रिलीज़ होने वाली है उसके बाद में इस फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट करवा दिया गया था पहला शेड्यूल था वो हैदराबाद में रखा हुआ था वहाँ पर उसको पूरी तरह से ब्रेपअप किया था उसके बाद में अप्रैल महीने में इस फिल्म को सेकेंड शेड्यूल के लिए विकास विशाखापट्टनम में भी ले जाया गया था उसके बाद में एक दो और शेड्यूल्स इस फिल्म के अलग अलग लोकेशंस में रहे थे वैसे हैदराबाद में इस उनका पेज वर्क का काम कंप्लीट किया था उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग एडिटिंग और भी एफ इन सभी चीज़ों के ऊपर काम करवाते हुए इस फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया था वैसे जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म पहले दो में रिलीज़ होने वाली थी लेकिन प्रोडक्शन का काम डिले होने की वजह से बाद में इस फिल्म को दो के लिए पूस्ट किया हुआ था वैसे इनिशियली फिल्म कई सारे लैंग्वेज में रिलीज़ होने वाली थी लेटर उन्हें फ़िल्म तेलुगू के साथ हिंदी तमिल लैंग्वेज में रिलीज़ करने का फ़ैसला लिया हुआ था अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर उससे पहले मैं आपको म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर ज़रा जानकारी दे देता हूँ सारे गाँ वालों ने म्यूज़िक के राइट्स खरीदे हुए तेलुगु तमिल हिंदी सभी वर्जन्स के लिए जहाँ पे इस फिल्म में टोटल आपको पाँच ट्रैक सुनने को मिलते हैं जिसको संतोष नारायणन ने कन्फर्म कम्पोज किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के साउंड ट्रेक में आपको पहला गाना सुनने को मिलेगा अब रॉन्ग यूजेस जिसको अजीज ने गाया हुआ है चंद्र बोस ने लिखा हुआ था संतोष नारायण ने म्यूज़िक दिया हुआ था सरदा सरदंगा गाने को अनुराग कुलकर्णी ने लिखा हुआ था राम शास्त्री ने सॉरी राम शास्त्री ने लिखा था अनुराग कुलकर्णी ने गाया था और संतोष नारायण ने म्यूजिक दिया हुआ था बुज्जी कुंडावे गाने को एसपी चरण ने लिखा हुआ था राम जोगे शास्त्री ने म्यूजिक दिया था सॉरी राम जोगे शास्त्री ने लिखा हुआ था और संतोष नारायण ने म्यूजिक दिया हुआ था थर्ड सिंगल यानी कि लेख् मारुद्दी जिसको पृथ्वी चंद्र ने गाया हुआ था कृष्णकांत ने लिखा हुआ था और संतोष नारायण ने म्यूजिक दिया हुआ था एक गाना और था सिंपल जेंटल उस गाने का म्यूजिक संतोष नारायण ने ही दिया हुआ था ये इस तरह से टोटल पाँच ट्रैक थे इसको अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनना है तो सुनने को मिल जाएंगे सारे गाँ तेलुगु यूट्यूब चैनल के ऊपर तेलुगु वर्जन में इसके दूसरे वर्जन के चैनल के ऊपर हिंदी तमिल वर्जन भी सुनने को मिल जाएंगे जनवरी पंद्रह को इस फिल्म के सभी गानों को ऑफिशियली रिलीज करवा दिया गया था पंद्रह जनवरी दो हज़ार चौबीस को यूट्यूब पर वीडियो फॉर्मेट में सारे गाँ के द्वारा अब हम बात कर लेते इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की जो कहानी है वो एक फिक्सनल सिटी रखा हुआ है चंद्रप्रस्था वहाँ सेट किए हुए मूवी पूरी तरह से सैंधव सा सैंदव कोनेरू के इर्द गिद घूमती रहती है ए के साइको के इर्द गिर्द जिसका रोल वेंकटेश प्ले कर रहे हैं वो क्रेन ऑपरेटर का काम कर रहे कस्टम डिपार्टमेंट में सैनदव की एक बेटी है जहाँ पे उसका नाम है गायत्री वो रोल बेबी सारा पालेकर प्ले कर रही है जहाँ पे उसका जो पूरा देख रेख है वो श्रद्धा श्रीनाथ का किरदार मानव ध्यान रखती है इसके अलावा वो एक कैब ड्राइवर है किसी एक दिन गायत्री स्कूल से जाती है उसके बाद में वहाँ पे वो पूरी तरह से बेहोश हो जाते है। उसके बाद में उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है उसके बाद में पता चलता है कि गायत्री एक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी करके एक ऐसे में करके जो बीमारी है उससे सफ़र कर रही है डॉक्टर के द्वारा जब ये रिवील होता है तब तो पूरी चीज़ें रिवील की जाती है जहाँ पर बताया जाता है कि गायत्री को अगर जी इस बीमारी से बाहर निकलना है तो उसको एक इंजेक्शन लगेगा जिसकी कॉस्ट है सत्रह करोड़ तो अब सैनदव इन चीज़ों को सोल्व करने के लिए आगे क्या करेगा क्या अपनी बेटी को बचा पाएगा इसके अलावा इस फिल्म में मित्रा का एक रोल दिखाया गया है मुकेश रईसी वो प्ले कर रहे उसका और सैनदव का क्या कनेक्शन है किस तरह से ये सब पूरी कहानी है जो कार्टेल डीलिंग है ड्रग्स और वेपन्स की वहाँ पे चली जाती है वो सब सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म के प्लस पॉइंट में विक्ट्री वेंकटेश आपको डेफिनेटली नज़र आएंगे इस फिल्म में पूरी तरह से वो कन्विक्सन के साथ अपने रोल को निभाते हुए नजर आते हैं ये फिल्म की जो कहानी है उसमें हार्ट एंड लो सोल वही है जिस तरह से पूरे फिल्म को अपने कंधे पे उन्होंने चलाया हुआ था वो लाजवाब था उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनके डायलॉग डिलीवरी एक्शन सीक्वेंस में उनका जो काम था वो सभी चीज़ें फिल्म को और बेहतर बनाती है कुछ इमोशनल सीन्स देखने को मिलते हैं वहाँ पे वेंकटेश ने यूजुअली जिस तरह से वो काम करते ठीक उसी तरह बढ़िया काम देते हुए नज़र आते फिल्म के लास्ट हाफ एन आवर में आपको कई एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते वो काफ़ी एंगेजिंग नजर आते वेंकटेश के द्वारा जो एक्शन अवतर आपको सेकंड हाफ में देखने को मिलता है वो लाजवाब है बुजी कंडावी जो गाना सुनने को मिलता है डेफ़िनेटली स्क्रीन में आपको अट्रैक्ट करेगा अच्छा अपील करेगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो इस फिल्म में एक विलन के साथ एक फन एलिमेंट ट्राई करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे वो कुछ जगह पे हमें डेफिनेटली हंसाने में कामयाब रहे थे इसके अलावा सेंधो के मेकर्स के द्वारा इस फिल्म में एक अवेयरनेस देने की कोशिश की हुई ऐसे में जो डिजीज है उसके ऊपर तो एन को उसमें किस तरह से कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो उन सभी चीज़ों के ऊपर जो एक अच्छी बात है उन्होंने एक अच्छी तरीके से मैसेज इंसर्ट किया हुआ था फाइट सीक्वेंस को जिस तरह से कोरियोग्राफर्स के द्वारा कंपोज़ किया गया है वो बढ़िया है सिनेमेटोग्राफी लाजवाब थी सभी एक्शन सीक्वेंस को सभी मूवी के पूरे टोनालिटी को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था इंटरवल एक्शन सेट पीस आपको जो देखने को मिलता है वो पूरी फिल्म में स्टैंड स्टैंडआउट लगता है अलग ही नज़र आ जाता है जो काफ़ी बढ़िया था इस फिल्म का देखा जाए तो जो आइडिया था जो मैसेज था उसमें एक अच्छा खासा पोटेंशियल था अगर अगर डायरेक्टर इस चीज़ को इसको नरेशन को थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाते तो बेहतर होता क्योंकि स्क्रीन प्ले काफ़ी मोस्ट ऑफ पार्ट में फ्लेट जाता हुआ नज़र आता है जिस तरह से जो वर्ल्ड बिल्ड किया हुआ है वो पूरी तरह से अपील नज़र नहीं आता है उसमें और बेहतर काम किया जा सकता था फर्स्ट हाफ काफ़ी स्लो नज़र आता है उसमें कोई एक्साइटमेंट नज़र नहीं आती कई जगह पर फिल्म डल नज़र आती है फर्स्ट हाफ़ में इसके अलावा इस फिल्म में कई ऐसे एक्टर्स देखने को मिलते जो एक कैरेक्टराइजेशन उनका अगर बेहतर रहता तो चीज़ें अलग लेवल पे ले जाते ज, जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इस फिल्म में एक रोल दिया गया है उस रोल के थ्रू उनको पूरा वेस्ट किया हुआ है एज एक्टर के तौर पे वो काफ़ी बढ़िया एक्टर हैं वैसे उन्होंने इस रोल के साथ अपना बेस्ट देने की कोशिश की हुई लेकिन रोल ही इतना ट्रे, उसका ट्रेक ही उतना वीक था जिसके चलते वो रोल के थ्रू वो उतना कुछ खास कर नहीं पाते एंड्रिया जेरेमिया श्रद्धा श्रीनाथ रूहानी शर्मा जीसुसेन गुप्ता आर्या मुकेश ऋषि जया प्रकाश इनको जो रोल दिए गए थे उसको थोड़ा और बेहतर तरीके से और मजबूती के साथ कहानी में डाला जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म में लॉजिक की आपको डेफिनेटली कमी नज़र आएगी कई जगह पे कई सारे लूपोल्स नजर आएंगे इसके अलावा फिल्म में जो एक्शन सीक्वेंस देखा देखने को मिलता है वहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर था वो चीज़ों को एनहेंस करने की कोशिश करता है लेकिन बैकग्राउंड स्कोर जिस तरह संतोष नारायण ने डिज़ाइन किया हुआ था वो सभी जगह पे वर्क नहीं कर पाता है एक्शन ब्लॉक में अगर बैकग्राउंड स्कोर बेहतर होता तो चीज़ें और म्यूजिक की वजह से या उन सीन्स में निखर के आ सकती थी कुछ इम्पोर्टेंट मोमेंट में चीज़ें और बेहतर हो सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी जान जानदार थी फिक्सनल सिटी जो तैयार किया गया था वहाँ पे जो बारीक की डिटेल के साथ चीज़ों को हमारे सामने पेश किया गया था आर्ट डायरेक्शन के थ्रू वो काफ़ी बढ़िया था सिनेमेटोग्राफर ने डेफिनेटली उस फिक्सनल विलेज को हमारे सामने बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ था एक आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है जो फिल्म में वो पूरी तरह से इंप्रेसिव था बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का अच्छा था लेकिन थोड़ा और बेहतर हो सकता था एडिटिंग फिल्म की ठीक ठाक है डिसाइन एडिटिंग देखने को मिलती है डायरेक्टर शैलेश कौनला इस फिल्म के साथ इस कॉन्सेप्ट के साथ एक अच्छा काम कर सकते थे लेकिन वो मिस करते हुए नजर आते कैरेक्टराइजेशन थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था कुल मिला के सेंदव एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आने वाली फिल्म थी जहाँ पे एक अच्छा मैसेज भी डिलीवर किया गया था वेंकटेश की अच्छी परफॉर्मेंसीस थी एक्शन सिक्वेंस अच्छे थे लेकिन इसके अलावा एक्टर्स दूसरे जो कास्ट किए गए थे उनके रोल्स बढ़िया नहीं लिखे गए थे इस फिल्म का नरेशन काफ़ी फ्लैट नजर आता है वहीं पे कुछ चीज़ें है जो इमोशनल सीन्स है उसको बेहतर तरीके से हमारे सामने डिज़ाइन करके दिखाया जा सकता था अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी बिलो रखोगे लो रखोगे तो डेफिनेटली फिल्म आप देख सकते हो वैसे इस फिल्म से ज़्यादा कुछ उम्मीद मत रखिएगा सिंधु फिल्म के ऊपर अब बातचीत करें तो इस फिल्म को थिएट्रिकली 13 जनवरी 2024 को रिलीज़ किया गया था संक्रांति के मौके के ऊपर तेलुगु हिंदी तमिल तीन वर्जन में हिंदी वर्जन आरके स्टूडियो के द्वारा डब करके रिलीज़ करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई पे के ऊपर आई के ऊपर तेरह सौ वोट हासिल किए जिसमें पचास के पाँच की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने पचपन करोड़ के बजट के सामने सिर्फ पच्चीस करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन किया लाइफ टाइम का और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी जिसके ओ राइट्स थे वो अमेज़न प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए थे सैटेलाइट राइट्स ई वालों ने खरीदे हुए थे तेलुगु तमिल वर्जनस के लिए जहाँ पे तेलुगु वर्जन अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर उन्होंने तीन फरवरी दो को रिलीज करवा दिया था हिंदी डब वर्जन के राइट्स डेफिनेटली आरकेडी के स्टूडियोज़ के पास थे जिन्होंने इस फिल्म के हिंदी सैटेलाइट राइट्स से जियो सिनेमा को बेचे हिंदी ओ राइट्स थे वो खरीदे हुए थे कलर्स सिनेप्लेक्स वालों ने अब इस फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो सेंडो फिल्म को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर तेलुगु तमिल दो वर्जन में आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इसके अलावा तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम डब्ड वर्जन में भी अवेलेबल करवा दिया है वहाँ पे वहाँ पे ये सभी वर्जन चारों वर्जन साउथ इंडियन वाले इंजॉय कर सकते हो और तेलुगु सेटेलाइट वर्जन आपको ई टी वी टेलीविजन चैनल के ऊपर ई टी वी तेलुगु के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहीं पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो आर के डी स्टूडियोज़ के द्वारा डब करवाया हुआ था जियो सिनेमा ने इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है विथ इंग्लिश सब टाइटल जहाँ पे इस फिल्म को आसानी से आप फ्री में हिंदी डब में विदाउट लॉग इन इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सेंधव फिल्म के आपको साउथ इंडियन वर्जन से वो देखने को मिल जाएंगे अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर वहाँ पे फिल्म आपको तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी इसी इस तरह इस फिल्म का जो तेलुगु सेटेलाइट वर्जन है वो ई टी वी टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहीं पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जनस के ऊपर बातचीत करें तो ऑफिशियली ये फिल्म आपको जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी विदाउट सब्सक्रिप्शन सेंधव नाम के साथ वहीं पे इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से सेंधव फिल्म आप, उफ, आपको ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन्स में देखने को मिल जाएगी सेंधव जो 2024 की एक इंडियन तेलुगू लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरशन ये सभी चीज़ें सैलिस कोलानो ने की हुई है सैलिस कोलानो इससे पहले हिट फ्रेंचाइज को डायरेक्ट कर चुके हैं दो में उनकी पहली हिट द फर्स्ट केस फिल्म आई थी जो तेलगु लैंग्वेज फिल्म थी उनका डेब्यू था एच हि यूनिवर्स का यह पहला इंस्टॉलमेंट था उसके बाद में उन्होंने हिट द फर्स्ट केस का तेलुगु का हिंदी रिमेक बनाया जिसमें उन्होंने राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा को लीड रोल में लेते हुए उस फिल्म को तैयार किया हुआ था और 2022 में ही उसका एक सिक्वल आया तेलुगु वर्जन में हिट द सेकंड केस उसके बाद में अब ये सेंधव फिल्म वो लेके आए हुए थे इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वेंकट बोयनापल्ली ने इस फिल्म को निहारिका एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 55 करोड़ जितने हाई बजट के साथ बनाया हुआ था इस फिल्म की कास्टिंग में वेंकटेश नवाजुद्दीन सिद्दकी आर्या श्रद्धा श्रीनाथ रोहान रूहानी शर्मा और एंड्रिया जेरिमिया जैसे एक्टर्स लीड रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म को निहारिका एंटरटेनमेंट के ही द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था तेलुगु वर्जन में वैसे इस फिल्म को इनिशियली पेन इंडिया लेवल ले के ऊपर रिलीज़ करने वाले थे लेटर ऑन चीज़ें थोड़ी चेंज हुई और उसके बाद में इस फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म के टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी एस मणिकंदन ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग गेरी बी ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे अट्ठारह मिनट का रन टाइम दिया हुआ है वैसे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन में उसमें गाने चॉप ऑप किए हुए कुछ ऐसी चीज़ें जो कट ऑफ किए हुए जिसके चलते वो फिल्म हिंदी वर्जन में एक मिनट की रही है यानी कि एक घंटे अट्ठावन मिनट लंबी फिल्म आपको हिंदी वर्जन अब बात कर लेते इस फिल्म के तो म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर संतोष नारायण के द्वारा इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे जहाँ वैसे गाने तो कोई थे नहीं म्यूजिक के ऊपर ज़्यादातर इस फिल्म ने बैकग्राउंड हुआ था बाकी तो फिल्म का जो सभी ये म्यूजिक का डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से संतोष नारायण ने ही सम वैसे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स थे वो सारे गमा वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म में अलग अलग ट्रैक आपको सुनने को मिल जाएंगे उसके ऊपर हम अभी चर्चा करने वाले तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं अब कास्टिंग के ऊपर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर में काफ़ी बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे वैसे इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको वेंकटेश देखने को मिलते हैं जिन्होंने सेंधव कोनेरू यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने विकास मलिक का रोल प्ले किया हुआ है आर्या आपको इस फिल्म में मानस का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे इसके अलावा इस फिल्म में श्रद्धा श्रीनाथ ने मंगोकिया का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा रूहानी शर्मा इस फिल्म में डॉक्टर रेणु का रोल प्ले करते हुए नज़र आएगी एंड्रिया जेरिमिया ने इस फिल्म में जासमिन का रोल प्ले किया हुआ है जिसु सेन गुप्ता माइकल का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे मुकेश ऋषि ने इस फिल्म में विश्वामित्रा यानी कि मित्रा का रोल प्ले किया हुआ है जया प्रकाश ने इस फिल्म में मूर्ति का रोल प्ले किया हुआ है गेटअप अपनु रमेश का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो करीबन 23 जनवरी 2023 को अनाउंस किया गया था कि वेंकटेश जगुबाती और शैलेश कोलानू एक फिल्म में कोलोबरेट करने वाले जहाँ पे वेंकी सेवेंटी फाइव टेंटेटिव टाइटल के साथ फिल्म को अनाउंस किया था 25 जनवरी को इस फिल्म का टाइ टाइटल अनाउंस किया गया था दो दिन बाद मेकर्स ने अनाउंस किया कि फिल्म सेंधव नाम के साथ आपको रिलीज़ होती हुई नजर आएगी तब टाइटल के वक्त एक टाइटल पोस्टर और क्लिम्स भी रिलीज़ किया हुआ था वैसे इस फिल्म के कई पोर्शंस को शूट किया हुआ है श्रीलंका में अलग अलग लोकेशंस में उसके बाद में उगाड़ी के मौके के ऊपर कन्फर्म किया कि ये फिल्म बाईस दिसंबर दो को रिलीज़ होने वाली है उसके बाद में इस फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट करवा दिया गया था पहला शेड्यूल था वो हैदराबाद में रखा हुआ था वहाँ पे उसको पूरी तरह से ब्रेपअप किया था उसके बाद में अप्रैल महीने में इस फिल्म को सेकंड शेड्यूल के लिए विकास विशाखापट्टनम में भी ले जाया गया था उसके बाद में एक दो और शेड्यूल्स सी इस फिल्म के अलग अलग लोकेशंस में रहे थे वैसे हैदराबाद में इस फिल्म का पेच वर्क का काम कम्पलीट किया था उसके बाद में म्यूज़िक डबिंग मिक्सिंग एडिटिंग और भी एफेक्स इन सभी चीज़ों के ऊपर काम करवाते हुए इस फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया था वैसे जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म पहले दो 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन प्रोडक्शन का काम डिले होने की वजह से बाद में इस फिल्म को दो के लिए पूस्ट किया हुआ था वैसे इनिशियली फिल्म कई सारे लैंग्वेजेस में रिलीज होने वाली थी लेटर उन्हें फिल्म तेलुगू के साथ हिंदी तमिल लैंग्वेज में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ था अब बात कर लेते इस फिल्म की कहानी के ऊपर उससे पहले मैं आपको म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर ज़रा जानकारी दे देता हूँ सारे गाँ वालों ने म्यूज़िक के राइट्स खरीदे हुए तेलुगु तमिल हिंदी सभी वर्जन्स के लिए जहाँ पे इस फिल्म में टोटल आपको पाँच ट्रैक सुनने को मिलते हैं जिसको संतोष नारायणन ने कन्फर्म कम, कम्पोज किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के साउंड ट्रैक में आपको पहला गाना सुनने को मिलेगा अब रॉन्ग यूजेस जिसको नकाशरीज ने गाया हुआ है चंद्र बोस ने लिखा हुआ था संतोष नारायण ने म्यूज़िक दिया हुआ था सरदा सरदंगा गाने को अनुराग कुलकर्णी ने लिखा हुआ था राम जोगे शास्त्री ने सॉरी राम जोगे शास्त्री ने लिखा था अनुराग कुलकर्णी ने गाया था और संतोष नारायण ने म्यूजिक दिया हुआ था बुज्जी कोंडावे गाने को एस पी चरण ने लिखा हुआ था रामजोगे शास्त्री ने म्यूजिक दिया था सॉरी राम जोगे शास्त्री ने लिखा हुआ था और संतोष नारायण ने म्यूजिक दिया हुआ था थर्ड सिंगल यानी कि का मरुदी जिसको पृथ्वी चंद्र ने गाया हुआ था कृष्णकांत ने लिखा हुआ था और संतोष नारायण ने म्यूजिक दिया हुआ था एक गाना और था सिंपल जेंटल उस गाने का म्यूजिक संतोष नारायण ने ही दिया हुआ था तो ये इस तरह से टोटल पाँच ट्रैक थे इसको अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनना है तो सुनने को मिल जाएंगे सारे गमा तेलगु यूट्यूब चैनल के ऊपर तेलुगु वर्ज़न में इसके दूसरे वर्जन के चैनल के ऊपर हिंदी तमिल वर्जन भी सुनने को मिल जाएंगे जनवरी पंद्रह को इस फिल्म के सभी गानों को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया था पंद्रह जनवरी दो को यूट्यूब पर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सारे गा के द्वारा अब हम बात कर लेते इस फिल्म के कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की जो कहानी है वो एक फ़िक्सनल सिटी रखा हुआ है चंद्रप्रस्था वहाँ पे सेट किए हुए मूवी पूरी तरह से सैन से, कोने सैनधव कोनेरू के इर्द घूमती रहती है ए के साइको के इर्द गिर्द जिसका रोल वेंकटेश प्ले कर रहे हैं वो क्रेन ऑपरेटर का, का काम कर रहे कस्टम डिपार्टमेंट में सेंधव की एक बेटी है जहाँ पे उसका नाम है गायत्री वो रोल बेबी सारा पालेकर प्ले कर रही है जहाँ पे उसका जो पूरा देख रेख है वो श्रद्धा श्रीनाथ का किरदार मानव ध्यान रखती है इसके अलावा वो एक कैब ड्राइवर है किसी एक दिन गायत्री स्कूल से जाती है उसके बाद में वहाँ पे वो पूरी तरह से बेहोश हो जाते उसके बाद में उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है उसके बाद में पता चलता है कि गायत्री एक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी करके कैसे में करके जो बीमारी है उससे सफ़र कर रही है डॉक्टर के द्वारा जब ये रिवील होता है तो पूरी चीज़ें रिवील की जाती है जहाँ पर बताया जाता है कि गायत्री को अगर जी इस बीमारी से बाहर निकलना है तो उसको एक इंजेक्शन लगेगा जिसकी कॉस्ट है सत्रह करोड़ तो अब संदाओं इन चीज़ों को सोल्व करने के लिए आगे क्या करेगा क्या अपनी बेटी को बचा पाएगा इसके अलावा इस फिल्म में मित्रा का एक रोल दिखाया गया है मुकेश रईसी वो प्ले कर रहे उसका और सेंधव का क्या कनेक्शन है किस तरह से ये सब पूरी कहानी है जो कार्टेल डीलिंग है ड्रग्स और वेपन्स की वहाँ पे चली जाती है वो सब सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म के प्लस पॉइंट में विक्ट्री वेंकटेश आपको डेफिनेटली नजर आएंगे इस फिल्म में पूरी तरह से वो कन्विक्सन के साथ आ, अपने रोल को निभाते हुए नज़र आते ये फिल्म की जो कहानी है उसमें हार्ट एंड सोल वही है जिस तरह से पूरी फिल्म को अपने कंधे पे उन्होंने चलाया हुआ था वो लाजवाब था उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनके डायलॉग डिलीवरी एक्शन सीक्वेंस में उनका जो काम था वो सभी चीज़ें फिल्म को और बेहतर बनाती है कुछ इमोशनल सीन्स देखने को मिलते हैं वहाँ पे वेंकटेश ने यूजुअली जिस तरह से वो काम करते ठीक उसी तरह बढ़िया काम देते हुए नज़र आते फिल्म के लास्ट हाफ एन आवर में आपको कई एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं वो काफ़ी एंगेजिंग नज़र आते हैं वेंकटेश के द्वारा जो एक्शन अवतर आपको सेकंड हाफ में देखने को मिलता है वो लाजवाब बुझी कुंडावे जो गाना सुनने को मिलता है डेफिनेटली उस स्क्रीन में आपको अट्रैक्ट करेगा अच्छा अपील करेगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो इस फिल्म में एक विलन के साथ एक फ़न एलिमेंट ट्राई करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे वो कुछ जगह पे हमें डेफिनेटली हंसाने में कामयाब रहते इसके अलावा सेंधव के मेकर्स के द्वारा इस फिल्म में एक अवेयरनेस देने की कोशिश की हुई ऐसे में जो डिजीज़ है उसके ऊपर तो एन को उसमें किस तरह से कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो उन सभी चीज़ों के ऊपर जो एक अच्छी बात है उन्होंने एक अच्छी तरीके से मैसेज इंसर्ट किया हुआ था फाइट सीक्वेंस को जिस तरह से कोरियोग्राफर्स के द्वारा कंपोज़ किया गया वो बढ़िया है सिनेमेटोग्राफी लाजवाब थी सभी एक्शन सीक्वेंस को सभी मूवी के पूरे टोनालिटी को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था इंटरवल एक्शन सेट पीस आपको जो देखने को मिलता है वो पूरी फिल्म में स्टैंड आउट लगता है अलग ही नज़र आ जाता है जो काफ़ी बढ़िया था इस फिल्म का देखा जाए तो जो आइडिया था जो मैसेज था उसमें एक अच्छा खासा पोटेंशियल था अगर अगर डायरेक्टर इस चीज़ को इसको नरेशन को थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाते तो बेहतर होता क्योंकि स्क्रीन प्ले काफ़ी मोस्ट ऑफ पार्ट में फ्लेट जाता हुआ नज़र आता है जिस तरह से जो वर्ल्ड बिल्ड किया हुआ है वो पूरी तरह से अपील नज़र नहीं आता है उसमें और बेहतर काम किया जा सकता था फर्स्ट हाफ काफ़ी स्लो नज़र आता है उसमें कोई एक्साइटमेंट नज़र नहीं आती कई जगह पर फिल्म डल नज़र आती है फर्स्ट हाफ में इसके अलावा इस फिल्म में कई ऐसे एक्टर्स देखने को मिलते जो एक कैरेक्टराइजेशन उनका अगर बेहतर रहता तो चीज़ें अलग लेवल पे ले जाते ज, जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इस फिल्म में एक रोल दिया गया है उस रोल के थ्रू उनको पूरा वेस्ट किया हुआ है एज एक्टर के तौर पे वो काफ़ी बढ़िया एक्टर हैं वैसे उन्होंने इस रोल के साथ अपना बेस्ट देने की कोशिश की हुई लेकिन रोल ही इतना त्रे, उसका ट्रेक ही उतना वीक था जिसके चलते वो रोल के थ्रू वो उतना कुछ खास कर नहीं पाते एंड्री जेरेमिया श्रद्धा श्रीनाथ रूहानी शर्मा जीसुसेन गुप्ता आर्या मुकेश ऋषि जया प्रकाश इनको जो रोल दिए गए थे उसको थोड़ा और बेहतर तरीके से और मजबूती के साथ कहानी में डाला जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म में लॉजिक की आपको डेफिनेटली कमी नज़र आएगी कई जगह पे कई सारे लूपोल्स नजर आएंगे इसके अलावा फिल्म में जो एक्शन सीक्वेंस देखा देखने को मिलता है वहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर था वो चीज़ों को एनहेंस करने की कोशिश करता है लेकिन बैकग्राउंड स्कोर जिस तरह संतोष नारायण ने डिज़ाइन किया हुआ था वो सभी जगह पे वर्क नहीं कर पाता है एक्सन ब्लॉक में अगर बैकग्राउंड स्कोर बेहतर होता तो चीज़ें और म्यूजिक की वजह से उन सीन्स में निखर के आ सकती थी कुछ इम्पोर्टेंट मोमेंट में चीज़ें और बेहतर हो सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी जान जानदार थी फ़िक्सनल सिटी जो तैयार किया गया था वहाँ पे जो बारीक की डिटेल के साथ चीज़ों को हमारे सामने पेश किया गया था आर्ट डायरेक्शन के थ्रू वो काफ़ी बढ़िया था सिनेमेटोग्राफर ने डेफिनेटली उस फिक्सनल विलेज को हमारे सामने बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ था एक आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है जो फिल्म में वो पूरी तरह से इंप्रेसिव था बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का अच्छा था लेकिन थोड़ा और बेहतर हो सकता था एडिटिंग फिल्म की ठीक ठाक है डिसाइन एडिटिंग देखने को मिलती है डायरेक्टर शैलेश को इस फिल्म के साथ इस कॉन्सेप्ट के साथ एक अच्छा काम कर सकते थे लेकिन वो मिस करते हुए नजर आते कैरेक्टराइजेशन थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था कुल मिला के सैन एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आने वाली फिल्म थी जहाँ पे एक अच्छा मैसेज भी डिलीवर किया गया था वेंकटेश की अच्छी परफॉर्मेंसिस थी एक्शन सीक्वेंस अच्छे थे लेकिन इसके अलावा एक्ट्रेस दूसरे जो कास्ट किए गए थे उनके रोल्स बढ़िया नहीं लिखे गए थे इस फिल्म का नरेशन काफ़ी फ्लैट नज़र आता है वहीं पर कुछ चीज़ें हैं जो इमोशनल सीस है उसको बेहतर तरीके से हमारे सामने डिजाइन करके दिखाया जा सकता था अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी बिलो रखोगे लो रखोगे तो डेफिनेटली फिल्म आप देख सकते हो वैसे इस फिल्म से ज़्यादा कुछ उम्मीद मत रखिएगा सिंधु फिल्म के ऊपर अब बातचीत करें तो इस फिल्म को थिएट्रिकली 13 जनवरी 2024 को रिलीज़ किया गया था संक्रांति के मौके के ऊपर तेलुगु हिंदी तमिल तीन वर्जन में हिंदी वर्जन आर्के स्टूडियो के द्वारा डब करके रिलीज़ करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला जिसके चलते आई पे के ऊपर आई के ऊपर 1300 वोट हासिल किए जिसमें 50 के पाँच की रेटिंग हासिल हुई 10 में से और इस फिल्म ने 55 करोड़ के बजट के सामने सिर्फ 25 करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन किया लाइफ टाइम का और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी जिसके ओ राइट्स थे वो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए थे सेटेलाइट राइट्स ई वालों ने खरीदे हुए थे तेलुगु तमिल वर्जनस के लिए जहाँ पे तेलुगु वर्जन अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर उन्होंने तीन फरवरी दो को रिलीज़ करवा दिया था हिंदी डब वर्जन के राइट्स डेफिनेटली आर के डी स्टूडियोज़ के पास थे जिन्होंने इस फिल्म के हिंदी सैटेलाइट राइट्स से जियो सिनेमा को बेचे हिंदी ओटीटी राइट्स थे वो खरीदे हुए थे कलर्स सिनेप्लेक्स वालों ने अब इस फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो सेंदो फिल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर तेलुगु तमिल दो वर्जन में आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इसके अलावा तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम डब्ड वर्जन में भी अवेलेबल करवा दिया है वहाँ पे वहाँ पे ये सभी वर्जन चारों वर्जन साउथ इंडियन वाले इन्जॉय कर सकते हो और तेलुगु सेटेलाइट वर्जन आपको ई टी टेलीविज़न चैनल के ऊपर ई टी के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा वहीं पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो आर डी स्टूडियोज़ के द्वारा डब करवाया हुआ था जियो सिनेमा ने इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है विथ इंग्लिश सब टाइटल जहाँ पे इस फिल्म को आसानी से आप फ्री में इन, हिंदी डब में विदाउट लॉग इन इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में कलर सिनेप्लेक्स टेलीविज़न चैनल के ऊपर प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सेंदव फिल्म के आपको साउथ इंडियन वर्जन से वो देखने को मिल जाएंगे अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर वहाँ पे फिल्म आपको तेलगू तमिल कन्नड़ा मलयालम वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी इस, इसी तरह इस फिल्म का जो तेलुगु सेटेलाइट वर्जन है वो ई टी वी तेलगु टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहीं पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो ऑफिशियली ये फिल्म आपको जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी विदाउट सब्सक्रिप्शन सेंधव नाम के साथ वहीं पे इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा तो इस तरह आप, उफ, से सेंधव फिल्म आपको ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी सेंधव जो दो हजार चौबीस की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन ये सभी चीज़ें शैलिस कोल्लानों ने की हुई है सेलिस कोलानो इससे पहले हिट फ्रेंचाइज को डायरेक्ट कर चुके हैं दो में उनकी पहली हिट द फर्स्ट केस फिल्म आई थी जो तेलुगु लैंग्वेज फिल्म थी उनका डेब्यू था एच यूनिवर्स का ये पहला इंस्टॉलमेंट था उसके बाद में उन्होंने हिट द फर्स्ट केस का तेलुगु का हिंदी रिमेक बनाया जिसमें उन्होंने राजकुमार राव और सानिया मल्होत्रा को लीड रोल में लेते हुए उस फिल्म को तैयार किया हुआ था और 2022 में ही उसका एक सिक्वल आया तेलुगु वर्जन में हिट द सेकंड केस उसके बाद में अब ये सेंधव फिल्म वो लेके आए हुए थे इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वेंकट बोयनापल्ली ने इस फिल्म को निहारिका एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन पचपन करोड़ जितने हाई बजट के साथ बनाया हुआ था इस फिल्म की कास्टिंग में वेंकटेश नवाजुद्दीन सिद्दकी आर्या श्रद्धा श्रीनाथ रोहान रूहानी शर्मा और एंड्रिया जेरिमिया जैसे एक्टर्स लीड रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म को निहारिका एंटरटेनमेंट के ही द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था तेलुगु वर्जन में वैसे इस फिल्म को इनिशियली पेन इंडिया लेवल ले के ऊपर रिलीज़ करने वाले थे लेटर ऑन चीज़ें थोड़ी चेंज हुई और उसके बाद में इस फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म के टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी एस मणिकंदन ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग गेरी बी एच ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक सौ अड़तीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे अट्ठारह मिनट का रन टाइम दिया हुआ है वैसे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन में उसमें गाने चॉप ऑफ किए हुए कुछ ऐसी चीज़ें जो कट ऑफ किए हुए जिसके चलते वो फिल्म हिंदी वर्जन में एक सौ अट्ठारह मिनट की रही है यानी कि एक घंटे अट्ठावन मिनट लंबी फिल्म आपको हिंदी वर्जन अब बात कर लेते इस फिल्म के तो म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर संतोष नारायण के द्वारा इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे जहाँ वैसे गाने तो कोई थे नहीं म्यूजिक के ऊपर ज़्यादातर इस फिल्म ने बैकग्राउंड हुआ था बाकी तो फिल्म का जो सभी म्यूजिक का डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से संतोष नारायण ने ही वैसे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स थे वो सारे गमा वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म में अलग अलग ट्रैक आपको सुनने को मिल जाएंगे उसके ऊपर हम अभी चर्चा करने वाले तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं अब कास्टिंग के ऊपर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर में काफ़ी बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे वैसे इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको वेंकटेश देखने को मिलते जिन्होंने सेंधव कोनेरू यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने विकास मलिक का रोल प्ले किया हुआ है आर्या आपको इस फिल्म में मानस का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा इस फिल्म में श्रद्धा श्रीनाथ ने ने क्या का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा रूहानी शर्मा इस फिल्म में डॉक्टर रेणु का रोल प्ले करते हुए नज़र आएगी एंड्रिया एजेरमिया ने इस फिल्म में जासमिन का रोल प्ले किया हुआ है जिसु सेन गुप्ता माइकल का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे मुकेश ऋषि ने इस फिल्म में विश्वामित्रा यानी कि मित्रा का रोल प्ले किया हुआ है जया प्रकाश ने इस फिल्म में मूर्ति का रोल प्ले किया हुआ है गेटअप रेणु रमेश का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो करीबन 23 जनवरी 2023 को अनाउंस किया गया था कि वेंकटेश दगुबाती और शैलेश कोलानू एक फिल्म में कोलाबरेट करने वाले जहाँ पे वेंकी सेवेंटी फाइव टेंटेटिव टाइटल के साथ फिल्म को अनाउंस किया था 25 जनवरी को इस फिल्म का टाइ टाइटल अनाउंस किया गया था दो दिन बाद मेकर्स ने अनाउंस किया कि फिल्म सेंदव नाम के साथ आपको रिलीज़ होती हुई नजर आएगी तब टाइटल के वक्त एक टाइटल पोस्टर और क्लिम्स भी रिलीज़ किया हुआ था वैसे इस फिल्म के कई पोर्शंस को शूट किया हुआ है श्रीलंका में अलग अलग लोकेशंस में उसके बाद में उगाड़ी के मौके के ऊपर कन्फर्म किया कि ये फिल्म बाईस दिसंबर दो को रिलीज़ होने वाली है उसके बाद में इस फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट करवा दिया गया था पहला शेड्यूल था वो हैदराबाद में रखा हुआ था वहाँ पे उसको पूरी तरह से ब्रेपअप किया था उसके बाद में अप्रैल महीने में इस फिल्म को सेकंड शेड्यूल के लिए विकास विशाखापट्टनम में भी ले जाया गया था उसके बाद में एक दो और शेड्यूल्स सी इस फिल्म के अलग अलग लोकेशंस में रहे थे वैसे हैदराबाद में इस फिल्म का पेच वर्क का काम कम्प्लीट किया था उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग एडिटिंग और भी एफ इन सभी चीज़ों के ऊपर काम करवाते हुए इस फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया था वैसे जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म पहले दो हज़ार में रिलीज़ होने वाली थी लेकिन प्रोडक्शन का काम डिले होने की वजह से बाद में इस फिल्म को जा दो के लिए पूस्ट किया हुआ था वैसे इनिशियली फिल्म द कई सारे लैंग्वेजेस में रिलीज़ होने वाली थी लेटर उन्होंने फिल्म तेलुगू के साथ हिंदी तमिल लैंग्वेजेस में रिलीज़ करने का फैसला लिया हुआ था अब बात कर लेते इस फिल्म की कहानी के ऊपर उससे पहले मैं आपको म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर ज़रा जानकारी दे देता हूँ सारे गाँ वालों ने म्यूज़िक के राइट्स ख़रीदे हुए तेलुगु तमिल हिंदी सभी वर्जन्स के लिए जहाँ पे इस फिल्म में टोटल आपको पाँच ट्रैक सुनने को मिलते हैं जिसको संतोष नारायणन ने कन्फर्म कम, कम्पोज किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के साउंड ट्रेक में आपको पहला गाना सुनने को मिलेगा रॉन्ग यूजेस जिसको नकाशरीज ने गाया हुआ है चंद्र बोस ने लिखा हुआ था संतोष नारायण ने म्यूज़िक दिया हुआ था शरदा सरदंगा गाने को अनुराग कुलकर्णी ने लिखा हुआ था राम शास्त्री ने सॉरी राम शास्त्री ने लिखा था अनुराग कुलकर्णी ने गाया था और संतोष नारायण ने म्यूजिक दिया हुआ था बुज्जी कुंडावे गाने को एसपी चरण ने लिखा हुआ था राम जोगे शास्त्री ने म्यूजिक दिया था सॉरी राम शास्त्री ने लिखा हुआ था और संतोष नारायण ने म्यूजिक दिया हुआ था थर्ड सिंगल यानी कि का मरुदी जिसको पृथ्वी चंद्र ने गाया हुआ था कृष्णकांत ने लिखा हुआ था और संतोष नारायण ने म्यूजिक दिया हुआ था एक गाना और था सिंपल जेंटल उस गाने का म्यूज़िक संतोष नारायण ने ही दिया हुआ था ये इस तरह से टोटल पार्ट ट्रैक थे इसको अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनना है तो सुनने को मिल जाएंगे सारे गमा तेलुगु यूट्यूब चैनल के ऊपर तेलुगु वर्जन में इसके दूसरे वर्जन के चैनल के ऊपर हिंदी तमिल वर्जन भी सुनने को मिल जाएंगे जनवरी पंद्रह को इस फिल्म के सभी गानों को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया था पंद्रह जनवरी दो को यूट्यूब पर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सारे गमा के द्वारा अब हम बात कर लेते इस फिल्म के कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की जो कहानी है वो एक फ़िक्शनल सिटी रखा हुआ है चंद्रप्रस्था वहाँ पे सेट किए हुआ है मूवी पूरी तरह से सैन से, सा सैंदव कोनेरू के इर्द गिद घूमती रहती है एक के साइको के इर्द गिर्द जिसका रोल वेंकटेश प्ले कर रहे हैं वो क्रेन ऑपरेटर का काम कर रहे कस्टम डिपार्टमेंट में सेंधव की एक बेटी है जहाँ पे उसका नाम है गायत्री वो रोल बेबी सारा पालेकर प्ले कर रही है जहाँ पे उसका जो पूरा देख रेख है वो श्रद्धा श्रीनाथ का किरदार मानविया ध्यान रखती है इसके अलावा वो एक कैब ड्राइवर है किसी एक दिन गायत्री स्कूल से जाती है उसके बाद में वहाँ पे वो पूरी तरह से बेहोश हो जाते है। उसके बाद में उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है उसके बाद में पता चलता है कि गायत्री एक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी करके एक ऐसे में करके जो बीमारी है उससे सफ़र कर रही है डॉक्टर के द्वारा जब ये रिवील होता है तो पूरी चीज़ें रिवील की जाती है जहाँ पर बताया जाता है कि गायत्री को अगर इस बीमारी से बा, बाहर निकलना है तो उसको एक इंजेक्शन लगेगा जिसकी कॉस्ट है सत्रह करोड़ तो अब संदाओं इन चीज़ों को सोल्व करने के लिए आगे क्या करेगा क्या अपनी बेटी को बचा पाएगा इसके अलावा इस फिल्म में मित्रा का एक रोल दिखाया गया है मुकेश ऋषि वो प्ले कर रहे उसका और सेंधव का क्या कनेक्शन है किस तरह से ये से पूरी कहानी है जो कार्टेल डीलिंग है ड्रग्स और वेपन्स की वहाँ पे चली जाती है वो सब सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म के प्लस पॉइंट में विक्ट्री वेंकटेश आपको डेफिनेटली नजर आएंगे इस फिल्म में पूरी तरह से वो कन्विक्सन के साथ आ, अपने रोल को निभाते हुए नज़र आते ये फिल्म की जो कहानी है उसमें हार्ट एंड लो सोल वही है जिस तरह से पूरी फिल्म को अपने कंधे पे उन्होंने चलाया हुआ था वो लाजवाब था उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनके डायलॉग डिलीवरी एक्शन सीक्वेंस में उनका जो काम था वो सभी चीज़ें फिल्म को और बेहतर बनाती है कुछ इमोशनल सीन्स देखने को मिलते हैं वहाँ पे वेंकटेश ने यूजुअली जिस तरह से वो काम करते ठीक उसी तरह बढ़िया काम देते हुए नजर आते फिल्म के लास्ट हाफ एन आवर में आपको कई एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं वो काफ़ी एंगेजिंग नजर आते हैं वेंकटेश के द्वारा जो एक्शन अवतार आपको सेकंड हाफ में देखने को मिलता है वो लाजवाब है बुझी कोंडावे जो गाना सुनने को मिलता है डेफिनेटली उस स्क्रीन में आपको अट्रैक्ट करेगा अच्छा अपील करेगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो इस फिल्म में एक विलन के साथ एक फन एलिमेंट ट्राई करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे वो कुछ जगह पे हमें डेफिनेटली हंसाने में कामयाब रहते इसके अलावा सेंधो के मेकर्स के द्वारा इस फिल्म में एक अवेयरनेस देने की कोशिश की हुई ऐसे में जो डिजीज है उसके ऊपर तो एन को उसमें किस तरह से कंट्रीब्यूशन आप कर सकते उन सभी चीज़ों के ऊपर जो एक अच्छी बात है उन्होंने एक अच्छी तरीके से मैसेज इंसर्ट किया हुआ था फाइट सीक्वेंस को जिस तरह से कोरियोग्राफर्स के द्वारा कंपोज किया गया वो बढ़िया है सिनेमेटोग्राफी लाजवाब थी सभी एक्शन सीक्वेंस को सभी मूवी के पूरे टोनालिटी को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था इंटरवल एक्शन सेट पीस आपको जो देखने को मिलता है वो पूरी फिल्म में स्टैंड स्टैंडआउट लगता है अलग ही नज़र आ जाता है जो काफ़ी बढ़िया था इस फिल्म का देखा जाए तो जो आइडिया था जो मैसेज था उसमें एक अच्छा खासा पोटेंशियल था अगर अगर डायरेक्टर इस चीज़ को इसको नरेशन को थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाते तो बेहतर होता क्योंकि स्क्रीन प्ले काफ़ी मोस्ट ऑफ पार्ट में फ्लेट जाता हुआ नज़र आता है जिस तरह से जो वर्ल्ड बिल्ड किया हुआ है वो पूरी तरह से अपील नज़र नहीं आता है उसमें और बेहतर काम किया जा सकता था फर्स्ट हाफ काफ़ी स्लो नज़र आता है उसमें कोई एक्साइटमेंट नज़र नहीं आती कई जगह पर फिल्म डल नज़र आती है फर्स्ट हाफ़ में इसके अलावा इस फिल्म में कई ऐसे एक्टर्स देखने को मिलते जो एक कैरेक्टराइजेशन उनका अगर बेहतर रहता तो चीज़ें अलग लेवल पे ले जाते ज, जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इस फिल्म में एक रोल दिया गया है उस रोल के थ्रू उनको पूरा वेस्ट किया हुआ है एज एक्टर के तौर पे वो काफ़ी बढ़िया एक्टर हैं वैसे उन्होंने इस रोल के साथ अपना बेस्ट देने की कोशिश की हुई लेकिन रोल ही इतना त्रे, उसका ट्रेक ही उतना वीक था जिसके चलते वो रोल के थ्रू वो उतना कुछ खास कर नहीं पाते एंड्रिया जेरेमिया श्रद्धा श्रीनाथ रूहानी शर्मा जीसुसेन गुप्ता आर्या मुकेश ऋषि जया प्रकाश इनको जो रोल दिए गए थे उसको थोड़ा और बेहतर तरीके से और मजबूती के साथ कहानी में डाला जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म में लॉजिक की आपको डेफिनेटली कमी नज़र आएगी कई जगह पे कई सारे लूपोल्स नजर आएंगे इसके अलावा फिल्म में जो एक्शन सीक्वेंस देखा देखने को मिलता है वहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर था वो चीज़ों को एनहेंस करने की कोशिश करता है लेकिन बैकग्राउंड स्कोर जिस तरह संतोष नारायण ने डिज़ाइन किया हुआ था वो सभी जगह पे वर्क नहीं कर पाता है एक्शन ब्लॉक में अगर बैकग्राउंड स्कोर बेहतर होता तो चीज़ें और म्यूजिक की वजह से या उन सीन्स में निखर के आ सकती थी कुछ इम्पोर्टेंट मोमेंट में चीज़ें और बेहतर हो सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी जान जानदार थी फिक्सनल सिटी जो तैयार किया गया था वहाँ पे जो बारीक की डिटेल के साथ चीज़ों को हमारे सामने पेश किया गया था आर्ट डायरेक्शन के थ्रू वो काफ़ी बढ़िया था सिनेमेटोग्राफर ने डेफिनेटली उस फिक्सनल विलेज को हमारे सामने बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ था एक आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है जो फिल्म में वो पूरी तरह से इंप्रेसिव था बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का अच्छा था लेकिन थोड़ा और बेहतर हो सकता था एडिटिंग फिल्म की ठीक ठाक है डिसाइन एडिटिंग देखने को मिलती है डायरेक्टर शैलेश इस फिल्म के साथ इस कॉन्सेप्ट के साथ एक अच्छा काम कर सकते थे लेकिन वो मिस करते हुए नजर आते कैरेक्टराइजेशन थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था कुल मिला के सेंदव एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आने वाली फिल्म थी जहाँ पे एक अच्छा मैसेज भी डिलीवर किया गया था वेंकटेश की अच्छी परफॉर्मेंसीस थी एक्शन सिक्वेंस अच्छे थे लेकिन इसके अलावा एक्ट्रेस दूसरे जो कास्ट किए गए थे उनके रोल्स बढ़िया नहीं लिखे गए थे इस फिल्म का नरेशन काफ़ी फ्लैट नजर आता है वहीं पे कुछ चीज़ें है जो इमोशनल सीन्स है उसको बेहतर तरीके से हमारे सामने डिज़ाइन करके दिखाया जा सकता था अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी बिलो रखोगे लो रखोगे तो डेफिनेटली फिल्म आप देख सकते हो वैसे इस फिल्म से ज़्यादा कुछ उम्मीद मत रखिएगा सिंधु फिल्म के ऊपर अब बातचीत करें तो आ, इस फिल्म को थिएट्रिकली 13 जनवरी 2024 को रिलीज़ किया गया था संक्रांति के मौके के ऊपर तेलुगू हिंदी तमिल तीन वर्जन में हिंदी वर्जन आरके स्टूडियो के द्वारा डब करके रिलीज़ करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई पे के ऊपर आई के ऊपर तेरह सौ वोट हासिल किए जिसमें पचास के पाँच की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने पचपन करोड़ के बजट के सामने सिर्फ पच्चीस करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन किया लाइफ टाइम का और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी जिसके ओ राइट्स थे वो अमेज़न प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए थे सैटेलाइट राइट्स ई वालों ने खरीदे हुए थे तेलुगु तमिल वर्जनस के लिए जहाँ पे तेलुगु वर्जन अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर उन्होंने तीन फरवरी दो को रिलीज करवा दिया था हिंदी डब वर्जन के राइट्स डेफिनेटली आर के डी स्टूडियोज़ के पास थे जिन्होंने इस फिल्म के हिंदी सैटेलाइट राइट्स से जियो सिनेमा को बेचे हिंदी ओ टी टी राइट्स थे वो खरीदे हुए थे कलर्स सिनेप्लेक्स वालों ने अब इस फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो सेंडो फिल्म को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर तेलुगु तमिल दो वर्जन में आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इसके अलावा तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम डब्ड वर्जन में भी अवेलेबल करवा दिया है वहाँ पे वहाँ पे ये सभी वर्जन चारों वर्जन साउथ इंडियन वाले इन्जॉय कर सकते हो और तेलुगु सैटेलाइट वर्जन आपको ई टी वी टेलीविजन चैनल के ऊपर ई टी वी तेलुगू के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा वहीं पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो आर के डी स्टूडियोज़ के द्वारा डब करवाया हुआ था जियो सिनेमा ने इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है विथ इंग्लिश सब टाइटल जहाँ पे इस फिल्म को आसानी से आप फ्री में हिंदी डब में विदाउट लॉग इन इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सेंदव फिल्म के आपको साउथ इंडियन वर्जन है वो देखने को मिल जाएंगे अमेजॉन प्राइम के ऊपर वहाँ पे फिल्म आपको तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी इसी इस तरह इस फिल्म का जो तेलुगु सेटेलाइट वर्जन है वो ई टी वी तेलगु टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहीं पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जनस के ऊपर बातचीत करें तो ऑफिशियली ये फिल्म आपको जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी विदाउट सब्सक्रिप्शन सेंधव नाम के साथ वहीं पे इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से सेंधव फिल्म आप, उफ, आपको ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन्स में देखने को मिल जाएगी सेंधव जो 2024 की एक इंडियन तेलुगू लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरशन ये सभी चीज़ें सैलिस कोलानो ने की हुई है सैलिस कोलानो इससे पहले हिट फ्रेंचाइज को डायरेक्ट कर चुके हैं दो में उनकी पहली हिट द फर्स्ट केस फिल्म आई थी जो तेलगू लैंग्वेज फिल्म थी उनका डेब्यू था एच हि यूनिवर्स का यह पहला इंस्टॉलमेंट था उसके बाद में उन्होंने हिट द फर्स्ट केस का तेलुगु का हिंदी रिमेक बनाया जिसमें उन्होंने राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा को लीड रोल में लेते हुए उस फिल्म को तैयार किया हुआ था और 2022 में ही उसका एक सिक्वल आया तेलुगु वर्जन में हिट द सेकंड केस उसके बाद में अब ये सेंधव फिल्म वो लेके आए हुए थे इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वेंकट बोयनापल्ली ने इस फिल्म को निहारिका एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन पचपन करोड़ जितने हाई बजट के साथ बनाया हुआ था इस फिल्म की कास्टिंग में वेंकटेश नवाजुद्दीन सिद्दकी आर्या श्रद्धा श्रीनाथ रूहानी शर्मा और एंड्रिया जेरिमिया जैसे एक्टर्स लीड रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म को निहारिका एंटरटेनमेंट के ही द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था तेलुगु वर्जन में वैसे इस फिल्म को इनिशियली पेन इंडिया लेवल ले के ऊपर रिलीज़ करने वाले थे लेटर ऑन चीज़ें थोड़ी चेंज हुई और उसके बाद में इस फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म के टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी एस मणिकंदन ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग गेरी बी ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे अट्ठारह मिनट का रन टाइम दिया हुआ है वैसे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन में उसमें गाने चॉप ऑफ किए हुए कुछ ऐसी चीज़ें जो कट ऑफ किए हुए जिसके चलते वो फिल्म हिंदी वर्जन में एक मिनट की रही है यानी कि एक घंटे अट्ठावन मिनट लंबी फिल्म आपको हिंदी वर्जन अब बात कर लेते इस फिल्म के तो म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर संतोष नारायण के द्वारा इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे जहाँ वैसे गाने तो कोई थे नहीं म्यूजिक के ऊपर ज़्यादातर इस फिल्म ने बैकग्राउंड हुआ था बाकी तो फिल्म का जो सभी ये म्यूजिक का डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से संतोष नारायण ने ही समा वैसे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स थे वो सारे गमा वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म में अलग अलग ट्रैक आपको सुनने को मिल जाएंगे उसके ऊपर हम अभी चर्चा करने वाले तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं अब कास्टिंग के ऊपर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर में काफ़ी बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे वैसे इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको वेंकटेश देखने को मिलते जिन्होंने सेंधव कोनेरू यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने विकास मलिक का रोल प्ले किया हुआ है आर्या आपको इस फिल्म में मानस का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे इसके अलावा इस फिल्म में श्रद्धा श्रीनाथ ने मंगोकिया का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा रूहानी शर्मा इस फिल्म में डॉक्टर रेणु का रोल प्ले करते हुए नज़र आएगी एंड्रिया जेरिमिया ने इस फिल्म में जासमिन का रोल प्ले किया हुआ है जिसु सेन गुप्ता माइकल का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे मुकेश ऋषि ने इस फिल्म में विश्वामित्रा यानी कि मित्रा का रोल प्ले किया हुआ है जया प्रकाश ने इस फिल्म में मूर्ति का रोल प्ले किया हुआ है गेटअप अपनु रमेश का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो करीबन 23 जनवरी 2023 को अनाउंस किया गया था कि वेंकटेश जगुबाती और शैलेश कोलानू एक फिल्म में कोलोबरेट करने वाले जहाँ पर वेंकी सेवेंटी फाइव टेंटेटिव टाइटल के साथ फिल्म को अनाउंस किया था 25 जनवरी को इस फिल्म का टाइटल अनाउंस किया गया था दो दिन बाद मेकर्स ने अनाउंस किया कि फिल्म सेंधव नाम के साथ आपको रिलीज़ होती हुई नजर आएगी तब टाइटल के वक्त एक टाइटल पोस्टर और क्लिम्स भी रिलीज़ किया हुआ था वैसे इस फिल्म के कई पोर्शंस को शूट किया हुआ है श्रीलंका में अलग अलग लोकेशंस में उसके बाद में उगाड़ी के मौके के ऊपर कंफर्म किया कि ये फिल्म 22 दिसंबर 2023 को रिलीज़ होने वाली है उसके बाद में इस फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट करवा दिया गया था पहला शेड्यूल था वो हैदराबाद में रखा हुआ था वहाँ पे उसको पूरी तरह से ब्रेपअप किया था उसके बाद में अप्रैल महीने में इस फिल्म को सेकंड शेड्यूल के लिए विकास विशाखापट्टनम में भी ले जाया गया था उसके बाद में एक दो और शेड्यूल्स इस फिल्म के अलग अलग लोकेशंस में रहे थे वैसे हैदराबाद में इस फिल्म का पेज वर्क का काम कंप्लीट किया था उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग एडिटिंग और भी एफ इन सभी चीज़ों के ऊपर काम करवाते हुए इस फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया था वैसे जैसे कि मैंने कहा कि ये फिल्म पहले दो में रिलीज़ होने वाली थी लेकिन प्रोडक्शन का काम डिले होने की वजह से बाद में इस फिल्म को दो के लिए पूस्ट किया हुआ था वैसे इनिशियली ये फिल्म कई सारे लैंग्वेजेज में रिलीज़ होने वाली थी लेटर उन्हें फ़िल्म तेलगु के साथ हिंदी तमिल लैंग्वेज में रिलीज़ करने का फ़ैसला लिया हुआ था अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर उससे पहले मैं आपको म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर ज़रा जानकारी दे देता हूँ सारे गाँ वालों ने म्यूज़िक के राइट्स खरीदे हुए तेलगू तमिल हिंदी सभी वर्जनस के लिए जहाँ पे इस फिल्म में टोटल आपको पाँच ट्रैक सुनने को मिलते हैं जिसको संतोष नारायणन ने कन्फर्म कम्पोज किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के साउंड ट्रैक में आपको पहला गाना सुनने को मिलेगा रॉन्ग यूजेस जिसको नका शरीज ने गाया हुआ है चंद्र बोस ने लिखा हुआ था संतोष नारायण ने म्यूज़िक दिया हुआ था सरदा सरदंगा गाने को अनुराग कुलकर्णी ने लिखा हुआ था राम जोगे शास्त्री ने सॉरी राम जोगे शास्त्री ने लिखा था अनुराग कुलकर्णी ने गाया था और संतोष नारायण ने म्यूज़िक दिया हुआ था बुज्जी कोंडावे गाने को एस पी चरण ने लिखा हुआ था रामजोगे शास्त्री ने म्यूजिक दिया था सॉरी राम जोगे शास्त्री ने लिखा हुआ था और संतोष नारायण ने म्यूजिक दिया हुआ था थर्ड सिंगल यानी कि का मरुदी जिसको पृथ्वी चंद्र ने गाया हुआ था कृष्णकांत ने लिखा हुआ था और संतोष नारायण ने म्यूजिक दिया हुआ था एक गाना और था सिंपल जेंटल उस गाने का म्यूजिक संतोष नारायण ने ही दिया हुआ था तो ये इस तरह से टोटल पाँच ट्रैक थे इसको अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनना है तो सुनने को मिल जाएंगे सारे गमा तेलगु यूट्यूब चैनल के ऊपर तेलुगु वर्ज़न में इसके दूसरे वर्जन के चैनल के ऊपर हिंदी तमिल वर्जन भी सुनने को मिल जाएंगे जनवरी पंद्रह को इस फिल्म के सभी गानों को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया था पंद्रह जनवरी दो को यूट्यूब पर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सारे गा के द्वारा अब हम बात कर लेते इस फिल्म के कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की जो कहानी है वो एक फ़िक्सनल सिटी रखा हुआ है चंद्रप्रस्था वहाँ पे सेट किए हुए मूवी पूरी तरह से सैन से, सा सैनधव कोनेरू इर्द घूमती रहती है ए के साइको के इर्द गिर्द जिसका रोल वेंकटेश प्ले कर रहे हैं वो क्रेन ऑपरेटर का, का काम कर रहे कस्टम डिपार्टमेंट में सेंधव की एक बेटी है जहाँ पे उसका नाम है गायत्री वो रोल बेबी सारा पालेकर प्ले कर रही है जहाँ पे उसका जो पूरा देख रेख है वो श्रद्धा श्रीनाथ का किरदार मानव ध्यान रखती है इसके अलावा वो एक कैब ड्राइवर है किसी एक दिन गायत्री स्कूल से जाती है उसके बाद में वहाँ पे वो पूरी तरह से बेहोश हो जाते है। उसके बाद में उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है उसके बाद में पता चलता है कि गायत्री एक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी करके कैसे में करके जो बीमारी है उससे सफ़र कर रही है डॉक्टर के द्वारा जब ये रिवील होता है तो पूरी चीज़ें रिवील की जाती है जहाँ पर बताया जाता है कि गायत्री को अगर जी इस बीमारी से बाहर निकलना है तो उसको एक इंजेक्शन लगेगा जिसकी कॉस्ट है सत्रह करोड़ तो अब संदाओं इन चीज़ों को सोल्व करने के लिए आगे क्या करेगा क्या अपनी बेटी को बचा पाएगा इसके अलावा इस फिल्म में मित्रा का एक रोल दिखाया गया है मुकेश रुसी वो प्ले कर रहे उसका और सेंधव का क्या कनेक्शन है किस तरह से ये सब पूरी कहानी है जो कार्टेल डीलिंग है ड्रग्स और वेपन्स की वहाँ पे चली जाती है वो सब सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म के प्लास्ट पॉइंट में विक्ट्री वेंकटेश आपको डेफिनेटली नजर आएंगे इस फिल्म में पूरी तरह से वो कन्विक्सन के साथ आ, अपने रोल को निभाते हुए नज़र आते ये फिल्म की जो कहानी है उसमें हार्ट एंड सोल वही है जिस तरह से पूरी फिल्म को अपने कंधे पे उन्होंने चलाया हुआ था वो लाजवाब था उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनके डायलॉग डिलीवरी एक्शन सीक्वेंस में उनका जो काम था वो सभी चीज़ें फिल्म को और बेहतर बनाती है कुछ इमोशनल सीन्स देखने को मिलते हैं वहाँ पे वेंकटेश ने यूजुअली जिस तरह से वो काम करते ठीक उसी तरह बढ़िया काम देते हुए नजर आते फिल्म के लास्ट हाफ एन आवर में आपको कई एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं वो काफ़ी एंगेजिंग नजर आते हैं वेंकटेश के द्वारा जो एक्शन अवतर आपको सेकंड हाफ में देखने को मिलता है वो लाजवाब बुझी कुंडावे जो गाना सुनने को मिलता है डेफिनेटली उस स्क्रीन में आपको अट्रैक्ट करेगा अच्छा अपील करेगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो इस फिल्म में एक विलन के साथ एक फ़न एलिमेंट ट्राई करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर वो कुछ जगह पर हमें डेफिनेटली हंसाने में कामयाब रहते इसके अलावा सेंधव के मेकर्स के द्वारा इस फिल्म में एक अवेयरनेस देने की कोशिश की हुई ऐसे में जो डिजीज़ है उसके ऊपर तो एन को उसमें किस तरह से कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो उन सभी चीज़ों के ऊपर जो एक अच्छी बात है उन्होंने एक अच्छी तरीके से मैसेज इंसर्ट किया हुआ था फाइट सीक्वेंस को जिस तरह से कोरियोग्राफर्स के द्वारा कंपोज़ किया गया वो बढ़िया है सिनेमेटोग्राफी लाजवाब थी सभी एक्शन सीक्वेंस को सभी मूवी के पूरे टोनालिटी को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था इंटरवल एक्शन सेट पीस आपको जो देखने को मिलता है वो पूरी फिल्म में स्टैंड आउट लगता है अलग ही नज़र आ जाता है जो काफ़ी बढ़िया था इस फिल्म का देखा जाए तो जो आइडिया था जो मैसेज था उसमें एक अच्छा खासा पोटेंशियल था अगर अगर डायरेक्टर इस चीज़ को इसको नरेशन को थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाते तो बेहतर होता क्योंकि स्क्रीन प्ले काफ़ी मोस्ट ऑफ पार्ट में फ्लेट जाता हुआ नज़र आता है जिस तरह से जो वर्ल्ड बिल्ड किया हुआ है वो पूरी तरह से अपील नज़र नहीं आता है उसमें और बेहतर काम किया जा सकता था फर्स्ट हाफ काफ़ी स्लो नज़र आता है उसमें कोई एक्साइटमेंट नज़र नहीं आती कई जगह पर फिल्म डल नज़र आती है फर्स्ट हाफ में इसके अलावा इस फिल्म में कई ऐसे एक्टर्स देखने को मिलते जो एक कैरेक्टराइजेशन उनका अगर बेहतर रहता तो चीज़ें अलग लेवल पे ले जाते ज, जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इस फिल्म में एक रोल दिया गया है उस रोल के थ्रू उनको पूरा वेस्ट किया हुआ है एज एक्टर के तौर पे वो काफ़ी बढ़िया एक्टर हैं वैसे उन्होंने इस रोल के साथ अपना बेस्ट देने की कोशिश की हुई लेकिन रोल ही इतना त्रे, उसका ट्रेक ही उतना वीक था जिसके चलते वो रोल के थ्रू वो उतना कुछ खास कर नहीं पाते एंड्री जेरेमिया श्रद्धा श्रीनाथ रूहानी शर्मा जीसुसेन गुप्ता आर्या मुकेश ऋषि जया प्रकाश इनको जो रोल दिए गए थे उसको थोड़ा और बेहतर तरीके से और मजबूती के साथ कहानी में डाला जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म में लॉजिक की आपको डेफिनेटली कमी नज़र आएगी कई जगह पे कई सारे लूपोल्स नजर आएंगे इसके अलावा फिल्म में जो एक्शन सीक्वेंस देखा देखने को मिलता है वहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर था वो चीज़ों को एनहेंस करने की कोशिश करता है लेकिन बैकग्राउंड स्कोर जिस तरह संतोष नारायण ने डिज़ाइन किया हुआ था वो सभी जगह पे वर्क नहीं कर पाता है एक्सन ब्लॉक में अगर बैकग्राउंड स्कोर बेहतर होता तो चीज़ें और म्यूज़िक की वजह से उन सीन्स में निखर के आ सकती थी कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट में चीज़ें और बेहतर हो सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी जान जानदार थी फिक्सनल सिटी जो तैयार किया गया था वहाँ पे जो बारीक की डिटेल के साथ चीज़ों को हमारे सामने पेश किया गया था आर्ट डायरेक्शन के थ्रू वो काफ़ी बढ़िया था सिनेमेटोग्राफर ने डेफिनेटली उस फिक्सनल विलेज को हमारे सामने बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ था एक आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है जो फिल्म में वो पूरी तरह से इंप्रेसिव था बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का अच्छा था लेकिन थोड़ा और बेहतर हो सकता था एडिटिंग फिल्म की ठीक ठाक है डिसाइन एडिटिंग देखने को मिलती है डायरेक्टर शैलेश इस फिल्म के साथ इस कॉन्सेप्ट के साथ एक अच्छा काम कर सकते थे लेकिन वो मिस करते हुए नजर आते कैरेक्टराइजेशन थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था कुल मिला के सैन एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आने वाली फिल्म थी जहाँ पे एक अच्छा मैसेज भी डिलीवर किया गया था वेंकटेश की अच्छी परफॉर्मेंसिस थी एक्शन सीक्वेंस अच्छे थे लेकिन इसके अलावा एक्ट्रेस दूसरे जो कास्ट किए गए थे उनके रोल्स बढ़िया नहीं लिखे गए थे इस फिल्म का नरेशन काफ़ी फ्लैट नज़र आता है वहीं पर कुछ चीज़ें हैं जो इमोशनल सीस है उसको बेहतर तरीके से हमारे सामने डिजाइन करके दिखाया जा सकता था अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी बिलो रखोगे लो रखोगे तो डेफिनेटली फिल्म आप देख सकते हो वैसे इस फिल्म से ज़्यादा कुछ उम्मीद मत रखिएगा सेंधव फिल्म के ऊपर अब बातचीत करें तो इस फिल्म को थिएट्रिकली 13 जनवरी 2024 को रिलीज़ किया गया था संक्रांति के मौके के ऊपर तेलुगु हिंदी तमिल तीन वर्जन में हिंदी वर्जन आरके स्टूडियो के द्वारा डब करके रिलीज़ करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला जिसके चलते आई पे के ऊपर आई के ऊपर 1300 वोट हासिल किए जिसमें 50 के पाँच की रेटिंग हासिल हुई 10 में से और इस फिल्म ने 55 करोड़ के बजट के सामने सिर्फ 25 करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन किया लाइफ टाइम का और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी जिसके ओ राइट्स थे वो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए थे सेटेलाइट राइट्स ई वालों ने खरीदे हुए थे तेलुगु तमिल वर्जनस के लिए जहाँ पे तेलुगु वर्जन अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर उन्होंने तीन फरवरी दो को रिलीज़ करवा दिया था हिंदी डब वर्जन के राइट्स डेफिनेटली आर के डी स्टूडियोज़ के पास थे जिन्होंने इस फिल्म के हिंदी सैटेलाइट राइट्स से जियो सिनेमा को बेचे हिंदी ओटीटी राइट्स थे वो खरीदे हुए थे कलर्स सिनेप्लेक्स वालों ने अब इस फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो सेंदो फिल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर तेलुगु तमिल दो वर्जन में आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इसके अलावा तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम डब्ड वर्जन में भी अवेलेबल करवा दिया है वहाँ पे वहाँ पे ये सभी वर्जन चारों वर्जन साउथ इंडियन वाले इन्जॉय कर सकते हो और तेलुगु सेटेलाइट वर्जन आपको ई टी टेलीविज़न चैनल के ऊपर ई टी के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहीं पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो आर डी स्टूडियोज़ के द्वारा डब करवाया हुआ था जियो सिनेमा ने इस फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है विथ इंग्लिश सब जहाँ पे इस फिल्म को आसानी से आप फ्री में इन, हिंदी डब में विदाउट लॉग इन इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सेंधव फिल्म के आपको साउथ इंडियन वर्जन से वो देखने को मिल जाएंगे एमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर वहाँ पे फिल्म आपको तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी इसी इस तरह इस फिल्म का जो तेलुगु सेटेलाइट वर्जन है वो ई टी वी टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहीं पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जनस के ऊपर बातचीत करें तो ऑफिशियली ये फिल्म आपको जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी विदाउट सब्सक्रिप्सन सेंधव नाम के साथ वहीं पे इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से सेंधव फिल्म आप, उफ, आपको ऑफिशियली ओ टी टी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर तेलगू तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जनस में देखने को मिल जाएगी सेंधो जो 2024 की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले ये सभी चीज़ें सैलिस कोलानो ने की हुई है सैलिस कोलानो इससे पहले हिट फ्रेंचाइज को डायरेक्ट कर चुके हैं दो में उनकी पहली हिट द फर्स्ट केस फिल्म आई थी जो तेलुगु लैंग्वेज फिल्म थी उनका डेब्यू था एच यूनिवर्स का ये पहला इंस्टॉलमेंट था उसके बाद में उन्होंने हिट द फर्स्ट केस का तेलुगु का हिंदी रिमेक बनाया जिसमें उन्होंने राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा को लीड रोल में लेते हुए उस फिल्म को तैयार किया हुआ था और 2022 में ही उसका एक सिक्वल आया तेलुगु वर्जन में हिट द सेकंड केस उसके बाद में अब ये सेंधव फिल्म वो लेके आए हुए थे इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वेंकट बोयनापल्ली ने इस फिल्म को निहारिका एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन पचपन करोड़ जितने हाई बजट के साथ बनाया हुआ था इस फिल्म की कास्टिंग में वेंकटेश नवाजुद्दीन सिद्दीकी आर्या श्रद्धा श्रीनाथ रोहान रूहानी शर्मा और एंड्रिया जेरिमिया जैसे एक्टर्स लीड रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म को निहारिका एंटरटेनमेंट के ही द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था तेलुगु वर्जन में वैसे इस फिल्म को इनिशियली पेन इंडिया लेवल ले के ऊपर रिलीज़ करने वाले थे लेटर ऑन चीज़ें थोड़ी चेंज हुई और उसके बाद में इस फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म के टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी एस मणिकंदन ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग गेरी बी एच ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक सौ अड़तीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे अट्ठारह मिनट का रन टाइम दिया हुआ है वैसे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन में उसमें गाने चॉप ऑफ किए हुए कुछ ऐसी चीज़ें जो कट ऑफ किए हुए जिसके चलते वो फिल्म हिंदी वर्जन में एक सौ अट्ठारह मिनट की रही है यानी कि एक घंटे अट्ठावन मिनट लंबी फिल्म आपको हिंदी वर्जन अब बात कर लेते इस फिल्म के तो म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर संतोष नारायण के द्वारा इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे जहाँ वैसे गाने तो कोई थे नहीं म्यूजिक के ऊपर ज़्यादातर इस फिल्म ने बैकग्राउंड हुआ था बाकी तो फिल्म का जो सभी म्यूजिक का डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से संतोष नारायण ने ही वैसे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स थे वो सारे गमा वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म में अलग अलग ट्रैक आपको सुनने को मिल जाएंगे उसके ऊपर हम अभी चर्चा करने वाले तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं अब कास्टिंग के ऊपर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर में काफ़ी बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे वैसे इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको वेंकटेश देखने को मिलते जिन्होंने सेंधव कोनेरू यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने विकास मलिक का रोल प्ले किया हुआ है आर्या आपको इस फिल्म में मानस का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा इस फिल्म में श्रद्धा श्री नाथ ने मंगोकिया का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा रूहानी शर्मा इस फिल्म में डॉक्टर रेणु का रोल प्ले करते हुए नज़र आएगी एंड्रिया एजेरमिया ने इस फिल्म में जासमिन का रोल प्ले किया हुआ है जिसु सेन गुप्ता माइकल का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे मुकेश ऋषि ने इस फिल्म में विश्वामित्रा यानी कि मित्रा का रोल प्ले किया हुआ है जया प्रकाश ने इस फिल्म में मूर्ति का रोल प्ले किया हुआ है गेटअप रेणु रमेश का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो करीबन 23 जनवरी 2023 को अनाउंस किया गया था कि वेंकटेश दगुबाती और शैलेश कोलानु एक फिल्म में कोलाबरेट करने वाले जहाँ पे वेंकी सेवेंटी फाइव टेंटेटिव टाइटल के साथ फिल्म को अनाउंस किया था 25 जनवरी को इस फिल्म का टाइ टाइटल अनाउंस किया गया था दो दिन बाद मेकर्स ने अनाउंस किया कि फिल्म सेंदव नाम के साथ आपको रिलीज़ होती हुई नजर आएगी तब टाइटल के वक्त एक टाइटल पोस्टर और क्लिम्स भी रिलीज़ किया हुआ था वैसे इस फिल्म के कई पोर्शंस को शूट किया हुआ है श्रीलंका में अलग अलग लोकेशंस में उसके बाद में उगाड़ी के मौके के ऊपर कन्फर्म किया कि ये फिल्म बाईस दिसंबर दो को रिलीज़ होने वाली है उसके बाद में इस फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट करवा दिया गया था पहला शेड्यूल था वो हैदराबाद में रखा हुआ था वहाँ पे उसको पूरी तरह से ब्रेपअप किया था उसके बाद में अप्रैल महीने में इस फिल्म को सेकंड शेड्यूल के लिए विकास विशाखापट्टनम में भी ले जाया गया था उसके बाद में एक दो और शेड्यूल्स सी इस फिल्म के अलग अलग, अलग लोकेशंस में रहे थे वैसे हैदराबाद में इस फिल्म का पेच वर्क का काम कम्प्लीट किया था उसके बाद में म्यूज़िक डबिंग मिक्सिंग एडिटिंग और भी एफ इन सभी चीज़ों के ऊपर काम करवाते हुए इस फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया था वैसे जैसे कि मैंने कहा कि फ़िल्म पहले दो हजार तेईस में रिलीज़ होने वाली थी लेकिन प्रोडक्शन का काम डिले होने की वजह से बाद में इस फिल्म को दो हज़ार चौबीस के लिए पूस्ट किया हुआ था वैसे इनिशियली फिल्म कई सारे लैंग्वेज में रिलीज़ होने वाली थी लेटर उन्होंने फिल्म तेलुगू के साथ हिंदी तमिल लैंग्वेज में रिलीज़ करने का फ़ैसला लिया हुआ था अब बात कर लेते इस फिल्म की कहानी के ऊपर उससे पहले मैं आपको म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर ज़रा जानकारी दे देता हूँ सारे गाँ वालों ने म्यूज़िक के राइट्स ख़रीदे हुए तेलुगु तमिल हिंदी सभी वर्जन्स के लिए जहाँ पे इस फिल्म में टोटल आपको पाँच ट्रैक सुनने को मिलते हैं जिसको संतोष नारायणन ने कन्फर्म कम, कम्पोज किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के साउंड ट्रेक में आपको पहला गाना सुनने को मिलेगा रॉन्ग यूजेस जिसको नकाशरीज ने गाया हुआ है चंद्र बोस ने लिखा हुआ था संतोष नारायण ने म्यूज़िक दिया हुआ था शरदा सरदंगा गाने को अनुराग कुलकर्णी ने लिखा हुआ था राम शास्त्री ने सॉरी राम शास्त्री ने लिखा था अनुराग कुलकर्णी ने गाया था और संतोष नारायण ने म्यूजिक दिया हुआ था बुज्जी कुंडावे गाने को एसपी चरण ने लिखा हुआ था राम शास्त्री ने म्यूजिक दिया था सॉरी राम शास्त्री ने लिखा हुआ था और संतोष नारायण ने म्यूजिक दिया हुआ था थर्ड सिंगल यानी कि का मरुदी जिसको पृथ्वी चंद्र ने गाया हुआ था कृष्णकांत ने लिखा हुआ था और संतोष नारायण ने म्यूजिक दिया हुआ था एक गाना और था सिंपल जेंटल उस गाने का म्यूजिक संतोष नारायण ने ही दिया हुआ था तो ये इस तरह से टोटल पार्ट ट्रैक थे इसको अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनना है तो सुनने को मिल जाएंगे सारे गमा तेलुगु यूट्यूब चैनल के ऊपर तेलुगु वर्जन में इसके दूसरे वर्जन के चैनल के ऊपर हिंदी तमिल वर्जन भी सुनने को मिल जाएंगे जनवरी पंद्रह को इस फिल्म के सभी गानों को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया था पंद्रह जनवरी दो को यूट्यूब पर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सारे गमा के द्वारा अब हम बात कर लेते इस फिल्म के कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की जो कहानी है वो एक फ़िक्शनल सिटी रखा हुआ है चंद्रप्रस्था वहाँ पे सेट की हुआ है मूवी पूरी तरह से सैन से, सा सैधव कोनेरू के इर्द गिद घूमती रहती है एक के साइको के इर्द गिर्द जिसका रोल वेंकटेश प्ले कर रहे हैं वो क्रेन ऑपरेटर का, का काम कर रहे कस्टम डिपार्टमेंट में सेंधव की एक बेटी है जहाँ पे उसका नाम है गायत्री वो रोल बेबी सारा पालेकर प्ले कर रही है जहाँ पे उसका जो पूरा देख रेख है वो श्रद्धा श्रीनाथ का किरदार मानविया ध्यान रखती है इसके अलावा वो एक कैब ड्राइवर है किसी एक दिन गायत्री स्कूल से जाती है उसके बाद में वहाँ पे वो पूरी तरह से बेहोश हो जाते है। उसके बाद में उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है उसके बाद में पता चलता है कि गायत्री एक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी करके एक कैसे में करके जो बीमारी है उससे सफ़र कर रही है डॉक्टर के द्वारा जब ये रिवील होता है तो पूरी चीज़ें रिवील की जाती है जहाँ पर बताया जाता है कि गायत्री को अगर जी इस बीमारी से बा, बाहर निकलना है तो उसको एक इंजेक्शन लगेगा जिसकी कॉस्ट है सत्रह करोड़ तो अब संदाओं इन चीज़ों को सोल्व करने के लिए आगे क्या करेगा क्या अपनी बेटी को बचा पाएगा इसके अलावा इस फिल्म में मित्रा का एक रोल दिखाया गया है मुकेश ऋषि वो प्ले कर रहे उसका और सेंधव का क्या कनेक्शन है किस तरह से ये से पूरी कहानी है जो कार्टेल डीलिंग है ड्रग्स और वेपन्स की वहाँ पे चली जाती है वो सब सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म के प्लस पॉइंट में विक्ट्री वेंकटेश आपको डेफिनेटली नजर आएंगे इस फिल्म में पूरी तरह से वो कन्विक्सन के साथ आ, अपने रोल को निभाते हुए नज़र आते ये फिल्म की जो कहानी है उसमें हार्ट एंड लो सोल वही है जिस तरह से पूरी फिल्म को अपने कंधे पे उन्होंने चलाया हुआ था वो लाजवाब था उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनके डायलॉग डिलीवरी एक्शन सीक्वेंस में उनका जो काम था वो सभी चीज़ें फिल्म को और बेहतर बनाती है कुछ इमोशनल सीन्स देखने को मिलते हैं वहाँ पे वेंकटेश ने यूजुअली जिस तरह से वो काम करते ठीक उसी तरह बढ़िया काम देते हुए नज़र आते फिल्म के लास्ट हाफ एन आवर में आपको कई एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं वो काफ़ी एंगेजिंग नजर आते हैं वेंकटेश के द्वारा जो एक्शन अवतार आपको सेकंड हाफ में देखने को मिलता है वो लाजवाब है बुझी कोंडावे जो गाना सुनने को मिलता है डेफिनेटली उस स्क्रीन में आपको अट्रैक्ट करेगा अच्छा अपील करेगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो इस फिल्म में एक विलन के साथ एक फन एलिमेंट ट्राई करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर वो कुछ जगह पर हमें डेफिनेटली हंसाने में कामयाब रहते इसके अलावा सेंधो के मेकर्स के द्वारा इस फिल्म में एक अवेयरनेस देने की कोशिश की हुई ऐसे में जो डिजीज है उसके ऊपर तो एन को उसमें किस तरह से कंट्रीब्यूशन आप कर सकते उन सभी चीज़ों के ऊपर जो एक अच्छी बात है उन्होंने एक अच्छी तरीके से मैसेज इंसर्ट किया हुआ था फाइट सीक्वेंस को जिस तरह से कोरियोग्राफर्स के द्वारा कंपोज किया गया वो बढ़िया है सिनेमेटोग्राफी लाजवाब थी सभी एक्शन सीक्वेंस को सभी मूवी के पूरे टोनालिटी को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था इंटरवल एक्शन सेट पीस आपको जो देखने को मिलता है वो पूरी फिल्म में स्टैंड स्टैंडआउट लगता है अलग ही नज़र आ जाता है जो काफ़ी बढ़िया था इस फिल्म का देखा जाए तो जो आइडिया था जो मैसेज था उसमें एक अच्छा खासा पोटेंशियल था अगर अगर डायरेक्टर इस चीज़ को इसको नरेशन को थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाते तो बेहतर होता क्योंकि स्क्रीन प्ले काफ़ी मोस्ट ऑफ पार्ट में फ्लेट जाता हुआ नज़र आता है जिस तरह से जो वर्ल्ड बिल्ड किया हुआ है वो पूरी तरह से अपील नज़र नहीं आता है उसमें और बेहतर काम किया जा सकता था फर्स्ट हाफ काफ़ी स्लो नज़र आता है उसमें कोई एक्साइटमेंट नज़र नहीं आती कई जगह पर फिल्म डल नज़र आती है फर्स्ट हाफ़ में इसके अलावा इस फिल्म में कई ऐसे एक्टर्स देखने को मिलते जो एक कैरेक्टराइजेशन उनका अगर बेहतर रहता तो चीज़ें अलग लेवल पे ले जाते ज, जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इस फिल्म में एक रोल दिया गया है उस रोल के थ्रू उनको पूरा वेस्ट किया हुआ है एज एक्टर के तौर पे वो काफ़ी बढ़िया एक्टर हैं वैसे उन्होंने इस रोल के साथ अपना बेस्ट देने की कोशिश की हुई लेकिन रोल ही इतना ट्रे, उसका ट्रेक ही उतना वीक था जिसके चलते वो रोल के थ्रू वो उतना कुछ खास कर नहीं पाते एंड्रिया जेरेमिया श्रद्धा श्रीनाथ रूहानी शर्मा जीसुसेन गुप्ता आर्या मुकेश ऋषि जया प्रकाश इनको जो रोल दिए गए थे उसको थोड़ा और बेहतर तरीके से और मजबूती के साथ कहानी में डाला जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म में लॉजिक की आपको डेफिनेटली कमी नज़र आएगी कई जगह पे कई सारे लूपोल्स नजर आएंगे इसके अलावा फिल्म में जो एक्शन सीक्वेंस देखा देखने को मिलता है वहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर था वो चीज़ों को एनहेंस करने की कोशिश करता है लेकिन बैकग्राउंड स्कोर जिस तरह संतोष नारायण ने डिज़ाइन किया हुआ था वो सभी जगह पे वर्क नहीं कर पाता है एक्शन ब्लॉक में अगर बैकग्राउंड स्कोर बेहतर होता तो चीज़ें और म्यूजिक की वजह से या उन सीन्स में निखर के आ सकती थी कुछ इम्पोर्टेंट मोमेंट में चीज़ें और बेहतर हो सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी जान जानदार थी फिक्सनल सिटी जो तैयार किया गया था वहाँ पे जो बारीक की डिटेल के साथ चीज़ों को हमारे सामने पेश किया गया था आर्ट डायरेक्शन के थ्रू वो काफ़ी बढ़िया था सिनेमेटोग्राफर ने डेफिनेटली उस फिक्सनल विलेज को हमारे सामने बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ था एक आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है जो फिल्म में वो पूरी तरह से इंप्रेसिव था बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का अच्छा था लेकिन थोड़ा और बेहतर हो सकता था एडिटिंग फिल्म की ठीक ठाक है डिसाइन एडिटिंग देखने को मिलती है डायरेक्टर साइलेस शैलेश इस फिल्म के साथ इस कॉन्सेप्ट के साथ एक अच्छा काम कर सकते थे लेकिन वो मिस करते हुए नजर आते कैरेक्टराइजेशन थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था कुल cool मिला के सेंदव एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आने वाली फिल्म थी जहाँ पे एक अच्छा मैसेज भी डिलीवर किया गया था वेंकटेश की अच्छी परफॉर्मेंसीस थी एक्शन सिक्वेंस अच्छे थे लेकिन इसके अलावा एक्ट्रेस दूसरे जो कास्ट किए गए थे उनके रोल्स बढ़िया नहीं लिखे गए थे इस फिल्म का नरेशन काफ़ी फ्लैट नजर आता है वहीं पे कुछ चीज़ें है जो इमोशनल सीन्स है उसको बेहतर तरीके से हमारे सामने डिजाइन करके दिखाया जा सकता था अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी बिलो रखोगे लो रखोगे तो डेफिनेटली फिल्म आप देख सकते हो वैसे इस फिल्म से ज़्यादा कुछ उम्मीद मत रखिएगा सिंधु फिल्म के ऊपर अब बातचीत करें तो आ, इस फिल्म को थिएट्रिकली 13 जनवरी 2024 को रिलीज़ किया गया था संक्रांति के मौके के ऊपर तेलुगु हिंदी तमिल तीन वर्जन में हिंदी वर्जन आरके स्टूडियो के द्वारा डब करके रिलीज़ करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई पे के ऊपर आई के ऊपर तेरह सौ वोट हासिल किए जिसमें पचास के पाँच की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने पचपन करोड़ के बजट के सामने सिर्फ पच्चीस करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन किया लाइफ टाइम का और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी जिसके ओ राइट्स थे वो अमेज़न प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए थे सैटेलाइट राइट्स ई वालों ने खरीदे हुए थे तेलुगु तमिल वर्जनस के लिए जहाँ पे तेलुगु वर्जन अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर उन्होंने तीन फरवरी दो को रिलीज करवा दिया था हिंदी डब वर्जन के राइट्स डेफिनेटली आर के डी स्टूडियोज़ के पास थे जिन्होंने इस फिल्म के हिंदी सैटेलाइट राइट्स से जियो सिनेमा को बेचे हिंदी ओ टी टी राइट्स थे वो खरीदे हुए थे कलर्स सिनेप्लेक्स वालों ने अब इस फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो सेंडो फिल्म को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर तेलुगु तमिल दो वर्जन में आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इसके अलावा तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम डब्ड वर्जन में भी अवेलेबल करवा दिया है वहाँ पे वहाँ पे ये सभी वर्जन चारों वर्जन साउथ इंडियन वाले इंजॉय कर सकते हो और तेलुगु सेटेलाइट वर्जन आपको ई टी वी टेलीविजन चैनल के ऊपर ई टी वी तेलुगु के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहीं पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो आर के डी स्टूडियोज़ के द्वारा डब करवाया हुआ था जियो सिनेमा ने इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है विथ इंग्लिश सब टाइटल जहाँ पे इस फिल्म को आसानी से आप फ्री में हिंदी डब में विदाउट आउट लॉग इन इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में कलर सिनेप्लेक्स टेलीविज़न चैनल के ऊपर प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सेंदव फिल्म के आपको साउथ इंडियन वर्जन से वो देखने को मिल जाएंगे अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर वहाँ पे फिल्म आपको तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी इसी तरह इस फिल्म का जो तेलगू सैटेलाइट वर्जन है वो ई टी वी टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहीं पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो ऑफिशियली ये फिल्म आपको जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी विदाउट सब्सक्रिप्सन सेंधव नाम के साथ वहीं पे इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से सेंधव फिल्म आप, उफ, आपको ऑफिशियली ओ टी टी और, और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर तेलगू तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी सेंधव जो दो हजार चौबीस की एक इंडियन तेलुगू लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन ये सभी चीज़ें शैलेश कोल्हानों ने की हुई है सेलिस कोलानो इससे पहले हिट फ्रेंचाइज को डायरेक्ट कर चुके हैं 2020 में उनकी पहली हिट द फर्स्ट केस फिल्म आई थी जो तेलुगु लैंग्वेज फिल्म थी उनका डेब्यू था एच यूनिवर्स का ये पहला इंस्टॉलमेंट था उसके बाद में उन्होंने हिट द फर्स्ट केस का तेलुगु का हिंदी रीमेक बनाया जिसमें उन्होंने राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा को लीड रोल में लेते हुए उस फिल्म को तैयार किया हुआ था और 2022 में ही उसका एक सिक्वल आया तेलुगु वर्जन में हिट द सेकंड केस उसके बाद में अब ये सेंधव फिल्म वो लेके आए हुए थे इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वेंकट बोयनापल्ली ने इस फिल्म को निहारिका एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन पचपन करोड़ जितने हाई बजट के साथ बनाया हुआ था इस फिल्म की कास्टिंग में वेंकटेश नवाजुद्दीन सिद्दीकी आर्या श्रद्धा श्रीनाथ रोहान रूहानी शर्मा और एंड्रिया जेरिमिया जैसे एक्टर्स लीड रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म को निहारिका एंटरटेनमेंट के ही द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था तेलुगु वर्जन में वैसे इस फिल्म को इनिशियली पेन इंडिया लेवल ले के ऊपर रिलीज़ करने वाले थे लेटर ऑन चीज़ें थोड़ी चेंज हुई और उसके बाद में इस फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्ज़न में रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म के टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी एस मणिकंदन ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग गेरी बी ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे अट्ठारह मिनट का रन टाइम दिया हुआ है वैसे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन में उसमें गाने चॉप ऑप किए हुए कुछ ऐसी चीज़ें जो कट ऑफ किए हुए जिसके चलते वो फिल्म हिंदी वर्जन में एक मिनट की रही है यानी कि एक घंटे अट्ठावन मिनट लंबी फिल्म आपको हिंदी वर्जन अब बात कर लेते इस फिल्म के तो म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर संतोष नारायण के द्वारा इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे जहाँ वैसे गाने तो कोई थे नहीं म्यूजिक के ऊपर ज़्यादातर इस फिल्म ने बैकग्राउंड हुआ था बाकी तो फिल्म का जो सभी ये म्यूजिक का डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से संतोष नारायण ने ही सम वैसे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स थे वो सारे गमा वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म में अलग अलग ट्रैक आपको सुनने को मिल जाएंगे उसके ऊपर हम अभी चर्चा करने वाले तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं अब कास्टिंग के ऊपर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर में काफ़ी बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे वैसे इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको वेंकटेश देखने को मिलते हैं जिन्होंने सेंधव कोनेरू यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने विकास मलिक का रोल प्ले किया हुआ है आर्या आपको इस फिल्म में मानस का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे इसके अलावा इस फिल्म में श्रद्धा श्रीनाथ ने मंगोकिया का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा रूहानी शर्मा इस फिल्म में डॉक्टर रेणु का रोल प्ले करते हुए नज़र आएगी एंड्रिया जेरिमिया ने इस फिल्म में जासमिन का रोल प्ले किया हुआ है जिसु सेन गुप्ता माइकल का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे मुकेश ऋषि ने इस फिल्म में विश्वामित्रा यानी कि मित्रा का रोल प्ले किया हुआ है जया प्रकाश ने इस फिल्म में मूर्ति का रोल प्ले किया हुआ है गेटअप अपनु रमेश का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो करीबन 23 जनवरी 2023 को अनाउंस किया गया था कि वेंकटेश जगुबाती और शैलेश कोलानू एक फिल्म में कोलोबरेट करने वाले जहाँ पे वेंकी सेवेंटी फाइव टेंटेटिव टाइटल के साथ फिल्म को अनाउंस किया था 25 जनवरी को इस फिल्म का टाइ टाइटल अनाउंस किया गया था दो दिन बाद मेकर्स ने अनाउंस किया कि फिल्म सेंधव नाम के साथ आपको रिलीज़ होती हुई नजर आएगी तब टाइटल के वक्त एक टाइटल पोस्टर और क्लिम्स भी रिलीज़ किया हुआ था वैसे इस फिल्म के कई पोर्शंस को सूट किया हुआ है श्रीलंका में अलग अलग लोकेशंस में उसके बाद में उगाड़ी के मौके के ऊपर कन्फर्म किया कि ये फिल्म बाईस दिसंबर दो को रिलीज़ होने वाली है उसके बाद में इस फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट करवा दिया गया था पहला शेड्यूल था वो हैदराबाद में रखा हुआ था वहाँ पे उसको पूरी तरह से ब्रेपअप किया था उसके बाद में अप्रैल महीने में इस फिल्म को सेकंड शेड्यूल के लिए विकास विशाखापट्टनम में भी ले जाया गया था उसके बाद में एक दो और शेड्यूल्स सी इस फिल्म के अलग अलग लोकेशंस में रहे थे वैसे हैदराबाद में इस फिल्म का पेच वर्क का काम कम्पलीट किया था उसके बाद में म्यूज़िक डबिंग मिक्सिंग एडिटिंग और भी एफेक्स इन सभी चीज़ों के ऊपर काम करवाते हुए इस फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया था वैसे जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म पहले दो 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन प्रोडक्शन का काम डिले होने की वजह से बाद में इस फिल्म को दो के लिए पूस्ट किया हुआ था वैसे इनिशियली फिल्म कई सारे लैंग्वेज में रिलीज होने वाली थी लेटर उन्हें फिल्म तेलुगू के साथ हिंदी तमिल लैंग्वेज में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ था अब बात कर लेते इस फिल्म की कहानी के ऊपर उससे पहले मैं आपको म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर ज़रा जानकारी दे देता हूँ सारे गाँ वालों ने म्यूज़िक के राइट्स ख़रीदे हुए तेलुगु तमिल हिंदी सभी वर्जनस के लिए जहाँ पे इस फिल्म में टोटल आपको पाँच ट्रैक सुनने को मिलते हैं जिसको संतोष नारायणन ने कन्फर्म कम्पोज कं, किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के साउंड ट्रेक में आपको पहला गाना सुनने को मिलेगा रॉन्ग यूजेस जिसको आ, नकास अजीज ने गाया हुआ है चंद्र बोस ने लिखा हुआ था संतोष नारायण ने म्यूज़िक दिया हुआ था सरदा सरदंगा गाने को अनुराग कुलकर्णी ने लिखा हुआ था राम जोगे शास्त्री ने सॉरी राम जोगे शास्त्री ने लिखा था अनुराग कुलकर्णी ने गाया था और संतोष नारायण ने म्यूज़िक दिया हुआ था बुज्जी कोंडावे गाने को एस पी चरण ने लिखा हुआ था रामजोगे शास्त्री ने म्यूजिक दिया था सॉरी राम जोगे, जोगे शास्त्री ने लिखा हुआ था और संतोष नारायण ने म्यूजिक दिया हुआ था थर्ड सिंगल यानी कि का मरुदी जिसको पृथ्वी चंद्र ने गाया हुआ था कृष्णकांत ने लिखा हुआ था और संतोष नारायण ने म्यूजिक दिया हुआ था एक गाना और था सिंपल जेंटल उस गाने का म्यूजिक संतोष नारायण ने ही दिया हुआ था तो ये इस तरह से टोटल पाँच ट्रैक थे इसको अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनना है तो सुनने को मिल जाएंगे सारे गमा तेलगू यूटूब चैनल के ऊपर तेलुगु वर्ज़न में इसके दूसरे वर्जन के चैनल के ऊपर हिंदी तमिल वर्जन भी सुनने को मिल जाएंगे जनवरी पंद्रह को इस फिल्म के सभी गानों को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया था पंद्रह जनवरी दो को यूट्यूब पर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सारे गा के द्वारा अब हम बात कर लेते इस फिल्म के कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की जो कहानी है वो एक फ़िक्सनल सिटी रखा हुआ है चंद्रप्रस्था वहाँ पे सेट किए हुए मूवी पूरी तरह से सैन से, कोने सैनधव कोनेरू के इर्द घूमती रहती है ए के साइको के इर्द गिर्द जिसका रोल वेंकटेश प्ले कर रहे हैं वो क्रेन ऑपरेटर का, का काम कर रहे कस्टम डिपार्टमेंट में सेंधव की एक बेटी है जहाँ पे उसका नाम है गायत्री वो रोल बेबी सारा पालेकर प्ले कर रही है जहाँ पे उसका जो पूरा देख रेख है वो श्रद्धा श्रीनाथ का किरदार मनोज्ञा ध्यान रखती है इसके अलावा वो एक कैब ड्राइवर है किसी एक दिन गायत्री स्कूल से जाती है उसके बाद में वहाँ पे वो पूरी तरह से बेहोश हो जाते उसके बाद में उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है उसके बाद में पता चलता है कि गायत्री एक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी करके कैसे में करके जो बीमारी है उससे सफ़र कर रही है डॉक्टर के द्वारा जब ये रिवील होता है तो पूरी चीज़ें रिवील की जाती है जहाँ पर बताया जाता है कि गायत्री को अगर जी इस बीमारी से बाहर निकलना है तो उसको एक इंजेक्शन लगेगा जिसकी कॉस्ट है सत्रह करोड़ तो अब संदाओं इन चीज़ों को सोल्व करने के लिए आगे क्या करेगा क्या अपनी बेटी को बचा पाएगा इसके अलावा इस फिल्म में मित्रा का एक रोल दिखाया गया है मुकेश रुसी वो प्ले कर रहे उसका और सेंधव का क्या कनेक्शन है किस तरह से ये सब पूरी कहानी है जो कार्टेल डीलिंग है ड्रग्स और वेपन्स की वहाँ पे चली जाती है वो सब सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म के प्लास्ट पॉइंट में विक्ट्री वेंकटेश आपको डेफिनेटली नजर आएंगे इस फिल्म में पूरी तरह से वो कन्विक्सन के साथ आ, अपने रोल को निभाते हुए नज़र आते ये फिल्म की जो कहानी है उसमें हार्ट एंड सोल वही है जिस तरह से पूरी फिल्म को अपने कंधे पे उन्होंने चलाया हुआ था वो लाजवाब था उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनके डायलॉग डिलीवरी एक्शन सिक्वेंस में उनका जो काम था वो सभी चीज़ें फिल्म को और बेहतर बनाती है कुछ इमोशनल सीन्स देखने को मिलते हैं वहाँ पे वेंकटेश ने यूजुअली जिस तरह से वो काम करते ठीक उसी तरह बढ़िया काम देते हुए नज़र आते हैं फिल्म के लास्ट हाफ एन आवर में आपको कई एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं वो काफ़ी एंगेजिंग नज़र आते हैं वेंकटेश के द्वारा जो एक्शन अवतर आपको सेकंड हाफ में देखने को मिलता है वो लाजवाब बुझी कुंडावे जो गाना सुनने को मिलता है डेफिनेटली उस स्क्रीन में आपको अट्रैक्ट करेगा अच्छा अपील करेगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो इस फिल्म में एक विलन के साथ एक फ़न एलिमेंट ट्राई करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर वो कुछ जगह पर हमें डेफिनेटली हंसाने में कामयाब रहते इसके अलावा सेंधव के मेकर्स के द्वारा इस फिल्म में एक अवेयरनेस देने की कोशिश की हुई ऐसे में जो डिजीज़ है उसके ऊपर तो एन को उसमें किस तरह से कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो उन सभी चीज़ों के ऊपर जो एक अच्छी बात है उन्होंने एक अच्छी तरीके से मैसेज इंसर्ट किया हुआ था फाइट सीक्वेंस को जिस तरह से कोरियोग्राफर्स के द्वारा कंपोज़ किया गया वो बढ़िया है सिनेमेटोग्राफी लाजवाब थी सभी एक्शन सीक्वेंस को सभी मूवी के पूरे टोनालिटी को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था इंटरवल एक्शन सेट पीस आपको जो देखने को मिलता है वो पूरी फिल्म में स्टैंड आउट लगता है अलग ही नज़र आ जाता है जो काफ़ी बढ़िया था इस फिल्म का देखा जाए तो जो आइडिया था जो मैसेज था उसमें एक अच्छा खासा पोटेंशियल था अगर अगर डायरेक्टर इस चीज़ को इसको नरेशन को थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाते तो बेहतर होता क्योंकि स्क्रीन प्ले काफ़ी मोस्ट ऑफ पार्ट में फ्लेट जाता हुआ नज़र आता है जिस तरह से जो वर्ल्ड बिल्ड किया हुआ है वो पूरी तरह से अपील नज़र नहीं आता है उसमें और बेहतर काम किया जा सकता था फर्स्ट हाफ काफ़ी स्लो नज़र आता है उसमें कोई एक्साइटमेंट नज़र नहीं आती कई जगह पर फिल्म डल नज़र आती है फर्स्ट हाफ में इसके अलावा इस फिल्म में कई ऐसे एक्टर्स देखने को मिलते जो एक कैरेक्टराइजेशन उनका अगर बेहतर रहता तो चीज़ें अलग लेवल पे ले जाते ज, जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इस फिल्म में एक रोल दिया गया है उस रोल के थ्रू उनको पूरा वेस्ट किया हुआ है एज एक्टर के तौर पे वो काफ़ी बढ़िया एक्टर हैं वैसे उन्होंने इस रोल के साथ अपना बेस्ट देने की कोशिश की हुई लेकिन रोल ही इतना त्रे, उसका ट्रेक ही उतना वीक था जिसके चलते वो रोल के थ्रू वो उतना कुछ खास कर नहीं पाते एंड्री जेरेमिया श्रद्धा श्रीनाथ रूहानी शर्मा जीसुसेन गुप्ता आर्या मुकेश ऋषि जया प्रकाश इनको जो रोल दिए गए थे उसको थोड़ा और बेहतर तरीके से और मजबूती के साथ कहानी में डाला जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म में लॉजिक की आपको डेफिनेटली कमी नज़र आएगी कई जगह पे कई सारे लूपोल्स नजर आएंगे इसके अलावा फिल्म में जो एक्शन सीक्वेंस देखा देखने को मिलता है वहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर था वो चीज़ों को एनहेंस करने की कोशिश करता है लेकिन बैकग्राउंड स्कोर जिस तरह संतोष नारायण ने डिज़ाइन किया हुआ था वो सभी जगह पे वर्क नहीं कर पाता है एक्सन ब्लॉक में अगर बैकग्राउंड स्कोर बेहतर होता तो चीज़ें और म्यूजिक की वजह से उन सीन्स में निखर के आ सकती थी कुछ इम्पोर्टेंट मोमेंट में चीज़ें और बेहतर हो सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी जान जानदार थी फ़िक्सनल सिटी जो तैयार किया गया था वहाँ पे जो बारीक की डिटेल के साथ चीज़ों को हमारे सामने पेश किया गया था आर्ट डायरेक्शन के थ्रू वो काफ़ी बढ़िया था सिनेमेटोग्राफर ने डेफिनेटली उस फिक्सनल विलेज को हमारे सामने बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ था एक आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है जो फिल्म में वो पूरी तरह से इंप्रेसिव था बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का अच्छा था लेकिन थोड़ा और बेहतर हो सकता था एडिटिंग फिल्म की ठीक ठाक है डिसाइन एडिटिंग देखने को मिलती है डायरेक्टर शैलेश इस फिल्म के साथ इस कॉन्सेप्ट के साथ एक अच्छा काम कर सकते थे लेकिन वो मिस करते हुए नजर आते कैरेक्टराइजेशन थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था कुल मिला के सैन एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आने वाली फिल्म थी जहाँ पे एक अच्छा मैसेज भी डिलीवर किया गया था वेंकटेश की अच्छी परफॉर्मेंसिस थी एक्शन सीक्वेंस अच्छे थे लेकिन इसके अलावा एक्ट्रेस दूसरे जो कास्ट किए गए थे उनके रोल्स बढ़िया नहीं लिखे गए थे इस फिल्म का नरेशन काफ़ी फ्लैट नज़र आता है वहीं पर कुछ चीज़ें हैं जो इमोशनल सीन्स है उसको बेहतर तरीके से हमारे सामने डिज़ाइन करके दिखाया जा सकता था अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी बिलो रखोगे लो रखोगे तो डेफिनेटली फिल्म आप देख सकते हो वैसे इस फिल्म से ज़्यादा कुछ उम्मीद मत रखिएगा सेंधव फिल्म के ऊपर अब बातचीत करें तो आ, इस फिल्म को थिएट्रिकली 13 जनवरी 2024 को रिलीज़ किया गया था संक्रांति के मौके के ऊपर तेलुगु हिंदी तमिल तीन वर्जन में हिंदी वर्जन आरके स्टूडियो के द्वारा डब करके रिलीज़ करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला जिसके चलते आईएमडीबी पे के ऊपर आईएमडीबी के ऊपर 1300 वोट हासिल किए जिसमें 50 के पाँच की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने पचपन करोड़ के बजट के सामने सिर्फ पच्चीस करोड़ तक का क्रोज कलेक्शन किया लाइफ टाइम का और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी जिसके ओ राइट्स थे वो अमेज़न प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए थे सैटेलाइट राइट्स ई वालों ने खरीदे हुए थे तेलुगु तमिल वर्जनस के लिए जहाँ पे तेलुगु वर्जन अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर उन्होंने तीन फरवरी 2024 को रिलीज़ करवा दिया था हिंदी डब वर्जन के राइट्स डेफिनेटली आर के डी स्टूडियोज़ के पास थे जिन्होंने इस फिल्म के हिंदी सैटेलाइट राइट्स से जियो सिनेमा को बेचे हिंदी ओ टी टी राइट्स थे वो खरीदे हुए थे कलर्स सिनेप्लेक्स वालों ने अब इस फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो सेंडो फिल्म को अमेजन प्राइमेडियो के ऊपर तेलुगु तमिल दो वर्ज़न में आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इसके अलावा तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम डब्ड वर्जन में भी अवेलेबल करवा दिया है वहाँ पर वहाँ पर वे सभी वर्जन चारों वर्जन साउथ इंडियन वाले इन्जॉय कर सकते हो और तेलुगु सैटेलाइट वर्जन आपको ई टी टेलीविज़न चैनल के ऊपर ई टी वी के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहीं पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो आर डी स्टूडियोज़ के द्वारा डब करवाया हुआ था जियो सिनेमा ने इस फिल्म को ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है विथ इंग्लिश सब टाइटल जहाँ पर इस फिल्म को आसानी से आप फ्री में हिंदी डब में विदाउट लॉग इन कर सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्ज़न आपको बिल्कुल फ्री में कलर सिनेप्लेक्स टेलीविज़न चैनल के ऊपर प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सेंदव फिल्म के आपको साउथ इंडियन वर्जन से वो देखने को मिल जाएंगे अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर वहाँ पे फिल्म आपको तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी इसी तरह इस फिल्म का जो तेलुगु सेटेलाइट वर्जन है वो ई टी वी तेलगु टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहीं पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जनस के ऊपर बातचीत करें तो ऑफिशियली ये फिल्म आपको जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी विदाउट सब्सक्रिप्सन सेंधव नाम के साथ वहीं पे इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से सेंधव फिल्म आप, उफ, आपको ऑफिशियली ओ टी टी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर तेलगू तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन्स में देखने को मिल जाएगी सेंधो जो 2024 की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले ये सभी चीज़ें सैलिस कोलानो ने की हुई है सैलिस कोलानो इससे पहले हिट फ्रेंचाइज को डायरेक्ट कर चुके हैं दो में उनकी पहली हिट द फर्स्ट केस फिल्म आई थी जो तेलुगु लैंग्वेज फिल्म थी उनका डेब्यू था एच यूनिवर्स का ये पहला इंस्टॉलमेंट था उसके बाद में उन्होंने हिट द फर्स्ट केस का तेलुगु का हिंदी रिमेक बनाया जिसमें उन्होंने राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा को लीड रोल में लेते हुए उस फिल्म को तैयार किया हुआ था और 2022 में ही उसका एक सिक्वल आया तेलुगु वर्जन में हिट द सेकंड केस उसके बाद में अब ये सेंधव फिल्म वो लेके आए हुए थे इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वेंकट बोयनापल्ली ने इस फिल्म को निहारिका एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन पचपन करोड़ जितने हाई बजट के साथ बनाया हुआ था इस फिल्म की कास्टिंग में वेंकटेश नवाजुद्दीन सिद्दीकी आर्या श्रद्धा श्रीनाथ रोहान रूहानी शर्मा और एंड्रिया जेरिमिया जैसे एक्टर्स लीड रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म को निहारिका एंटरटेनमेंट के ही द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था तेलुगु वर्जन में वैसे इस फिल्म को इनिशियली पे इंडिया लेवल ले के ऊपर रिलीज़ करने वाले थे लेटर ऑन चीज़ें थोड़ी चेंज हुई और उसके बाद में इस फिल्म को सिर्फ तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म के टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी एस मणिकंदन ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग गेरी बी एच ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक सौ अड़तीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे अट्ठारह मिनट का रन टाइम दिया हुआ है वैसे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन में उसमें गाने चॉप ऑफ किए हुए कुछ ऐसी चीज़ें जो कट ऑफ किए हुए जिसके चलते वो फिल्म हिंदी वर्जन में एक सौ अट्ठारह मिनट की रही है यानी कि एक घंटे अट्ठावन मिनट लंबी फिल्म आपको हिंदी वर्जन अब बात कर लेते इस फिल्म के तो म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर संतोष नारायण के द्वारा इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे जहाँ वैसे गाने तो कोई थे नहीं म्यूजिक के ऊपर ज़्यादातर इस फिल्म ने बैकग्राउंड हुआ था बाकी तो फिल्म का जो सभी म्यूजिक का डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से संतोष नारायण ने ही वैसे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स थे वो सारे गमा वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म में अलग अलग ट्रैक आपको सुनने को मिल जाएंगे उसके ऊपर हम अभी चर्चा करने वाले तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं अब कास्टिंग के ऊपर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर में काफ़ी बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे वैसे इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको वेंकटेश देखने को मिलते जिन्होंने सेंधव कोनेरू यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने विकास मलिक का रोल प्ले किया हुआ है आर्या आपको इस फिल्म में मानस का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा इस फिल्म में श्रद्धा श्रीनाथ ने मंगोकिया का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा रूहानी शर्मा इस फिल्म में डॉक्टर रेणु का रोल प्ले करते हुए नज़र आएगी एंड्रिया एजेरमिया ने इस फिल्म में जासमिन का रोल प्ले किया हुआ है जिसु सेन गुप्ता माइकल का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे मुकेश ऋषि ने इस फिल्म में विश्वामित्रा यानी कि मित्रा का रोल प्ले किया हुआ है जया प्रकाश ने इस फिल्म में मूर्ति का रोल प्ले किया हुआ है गेटअप रेणु रमेश का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो करीबन 23 जनवरी 2023 को अनाउंस किया गया था कि वेंकटेश दगुबाती और शैलेश कोलानू एक फिल्म में कोलाबरेट करने वाले जहाँ पे वेंकी सेवेंटी फाइव टेंटेटिव टाइटल के साथ फिल्म को अनाउंस किया था 25 जनवरी को इस फिल्म का टाइटल अनाउंस किया गया था दो दिन बाद मेकर्स ने अनाउंस किया कि फिल्म सेंधव नाम के साथ आपको रिलीज़ होती हुई नजर आएगी तब टाइटल के वक्त एक टाइटल पोस्टर और क्लिम्स भी रिलीज किया हुआ था वैसे इस फिल्म के कई पोर्शंस को शूट किया हुआ है श्रीलंका में अलग अलग लोकेशंस में उसके बाद में उगाड़ी के मौके के ऊपर कंफर्म किया कि ये फिल्म 22 दिसंबर 2023 को रिलीज़ होने वाली है उसके बाद में इस फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट करवा दिया गया था पहला शेड्यूल था वो हैदराबाद में रखा हुआ था वहाँ पे उसको पूरी तरह से रेपअप किया था उसके बाद में अप्रैल महीने में इस फिल्म को सेकंड शेड्यूल के लिए विकास विशाखापट्टनम में भी ले जाया गया था उसके बाद में एक दो और शेड्यूल्स सी इस फिल्म के अलग अलग लोकेशंस में रहे थे वैसे हैदराबाद में इस फिल्म का पेच वर्क का काम कम्प्लीट किया था उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग एडिटिंग और भी एफ इन सभी चीज़ों के ऊपर काम करवाते हुए इस फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया था वैसे जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म पहले दो 2023 में रिलीज होने वाली थी लेकिन प्रोडक्शन का काम डिले होने की वजह से बाद में इस फिल्म को जा दो के लिए पूस्ट किया हुआ था वैसे इनिशियली फिल्म कई सारे लैंग्वेजेस में रिलीज होने वाली थी लेटर उन्होंने फिल्म तेलुगू के साथ हिंदी तमिल लैंग्वेजेस में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ था अब बात कर लेते इस फिल्म की कहानी के ऊपर उससे पहले मैं आपको म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर ज़रा जानकारी दे देता हूँ सारे गाँ वालों ने म्यूज़िक के राइट्स ख़रीदे हुए तेलुगु तमिल हिंदी सभी वर्जन्स के लिए जहाँ पे इस फिल्म में टोटल आपको पाँच ट्रैक सुनने को मिलते हैं जिसको संतोष नारायणन ने कन्फर्म कम, कम्पोज किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के साउंड ट्रेक में आपको पहला गाना सुनने को मिलेगा रॉन्ग यूजेस जिसको नकाशरीज ने गाया हुआ है चंद्र बोस ने लिखा हुआ था संतोष नारायण ने म्यूज़िक दिया हुआ था शरदा सरदंगा गाने को अनुराग कुलकर्णी ने लिखा हुआ था राम जोगे शास्त्री ने सॉरी राम जोगे शास्त्री ने लिखा था अनुराग कुलकर्णी ने गाया था और संतोष नारायण ने म्यूजिक दिया हुआ था बुज्जी कुंडावे गाने को एसपी चरण ने लिखा हुआ था राम जोगे शास्त्री ने म्यूजिक दिया था सॉरी राम जोगे शास्त्री ने लिखा हुआ था और संतोष नारायण ने म्यूजिक दिया हुआ था थर्ड था, था। सिंगल यानी कि का मरुदी जिसको पृथ्वी चंद्र ने गाया हुआ था कृष्णकांत ने लिखा हुआ था और संतोष नारायण ने म्यूजिक दिया हुआ था एक गाना और था सिंपल जेंटल उस गाने का म्यूज़िक संतोष नारायण ने ही दिया हुआ था तो ये इस तरह से टोटल पांच ट्रैक थे इसको अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनना है तो सुनने को मिल जाएंगे सारे गमा तेलुगू यूट्यूब चैनल के ऊपर तेलुगु वर्जन में इसके दूसरे वर्जन के चैनल के ऊपर हिंदी तमिल वर्ज़न भी सुनने को मिल जाएंगे जनवरी पंद्रह को इस फिल्म के सभी गानों को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया था पंद्रह जनवरी दो को यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सारे गमा के द्वारा अब हम बात कर लेते इस फिल्म के कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की जो कहानी है वो एक फ़िक्शनल सिटी रखा हुआ है चंद्रप्रस्था वहाँ पे सेट किए हुआ है मूवी पूरी तरह से सैन सैंद, सा सैंदव कोनेरू के इर्द गिद घूमती रहती है एक के साइको के इर्द गिर्द जिसका रोल वेंकटेश प्ले कर रहे हैं वो क्रेन ऑपरेटर का, का काम कर रहे कस्टम डिपार्टमेंट में सेंधव की एक बेटी है जहाँ पे उसका नाम है गायत्री वो रोल बेबी सारा पालेकर प्ले कर रही है जहाँ पे उसका जो पूरा देख रेख है वो श्रद्धा श्रीनाथ का किरदार मानविया ध्यान रखती है इसके अलावा वो एक कैब ड्राइवर है किसी एक दिन गायत्री स्कूल से जाती है उसके बाद में वहाँ पे वो पूरी तरह से बेहोश हो जाते हैं उसके बाद में उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है उसके बाद में पता चलता है कि गायत्री एक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी करके एक कैसे में करके जो बीमारी है उससे सफ़र कर रही है डॉक्टर के द्वारा जब ये रिवील होता है तो पूरी चीज़ें रिवील की जाती है जहाँ पर बताया जाता है कि गायत्री को अगर जी इस बीमारी से बा, बाहर निकलना है तो उसको एक इंजेक्शन लगेगा जिसकी कॉस्ट है सत्रह करोड़ तो अब संदाओं इन चीज़ों को सोल्व करने के लिए आगे क्या करेगा क्या अपनी बेटी को बचा पाएगा इसके अलावा इस फिल्म में मित्रा का एक रोल दिखाया गया है मुकेश ऋषि वो प्ले कर रहे उसका और सेंधव का क्या कनेक्शन है किस तरह से ये से पूरी कहानी है जो कार्टेल डीलिंग है ड्रग्स और वेपन्स की वहाँ पे चली जाती है वो सब सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म के प्लास्ट पॉइंट में विक्ट्री वेंकटेश आपको डेफिनेटली नजर आएंगे इस फिल्म में पूरी तरह से वो कन्विक्सन के साथ आ, अपने रोल को निभाते हुए नज़र आते ये फिल्म की जो कहानी है उसमें हार्ट एंड लो सोल वही है जिस तरह से पूरी फिल्म को अपने कंधे पे उन्होंने चलाया हुआ था वो लाजवाब था उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनके डायलॉग डिलीवरी एक्शन सीक्वेंस में उनका जो काम था वो सभी चीज़ें फिल्म को और बेहतर बनाती है कुछ इमोशनल सीन्स देखने को मिलते हैं वहाँ पे वेंकटेश ने यूजुअली जिस तरह से वो काम करते ठीक उसी तरह बढ़िया काम देते हुए नज़र आते फिल्म के लास्ट हाफ एन आवर में आपको कई एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं वो काफ़ी एंगेजिंग नजर आते हैं वेंकटेश के द्वारा जो एक्शन अवतार आपको सेकंड हाफ में देखने को मिलता है वो लाजवाब है बुझी कोंडावे जो गाना सुनने को मिलता है डेफिनेटली उस स्क्रीन में आपको अट्रैक्ट करेगा अच्छा अपील करेगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो इस फिल्म में एक विलन के साथ एक फन एलिमेंट ट्राई करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे वो कुछ जगह पे हमें डेफिनेटली हंसाने में कामयाब रहते इसके अलावा सेंधो के मेकर्स के द्वारा इस फिल्म में एक अवेयरनेस देने की कोशिश की हुई ऐसे में जो डिजीज है उसके ऊपर तो एन को उसमें किस तरह से कंट्रीब्यूशन आप कर सकते उन सभी चीज़ों के ऊपर जो एक अच्छी बात है उन्होंने एक अच्छी तरीके से मैसेज इंसर्ट किया हुआ था फाइट सीक्वेंस को जिस तरह से कोरियोग्राफर्स के द्वारा कंपोज किया गया वो बढ़िया है सिनेमेटोग्राफी लाजवाब थी सभी एक्शन सीक्वेंस को सभी मूवी के पूरे टोनालिटी को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था इंटरवल एक्शन सेट पीस आपको जो देखने को मिलता है वो पूरी फिल्म में स्टैंड स्टैंडआउट लगता है अलग ही नज़र आ जाता है जो काफ़ी बढ़िया था इस फिल्म का देखा जाए तो जो आइडिया था जो मैसेज था उसमें एक अच्छा खासा पोटेंशियल था अगर अगर डायरेक्टर इस चीज़ को इसको नरेशन को थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाते तो बेहतर होता क्योंकि स्क्रीन प्ले काफ़ी मोस्ट ऑफ पार्ट में फ्लेट जाता हुआ नज़र आता है जिस तरह से जो वर्ल्ड बिल्ड किया हुआ है वो पूरी तरह से अपील नज़र नहीं आता है उसमें और बेहतर काम किया जा सकता था फर्स्ट हाफ काफ़ी स्लो नज़र आता है उसमें कोई एक्साइटमेंट नज़र नहीं आती कई जगह पर फिल्म डल नज़र आती है फर्स्ट हाफ़ में इसके अलावा इस फिल्म में कई ऐसे एक्टर्स देखने को मिलते जो एक कैरेक्टराइजेशन उनका अगर बेहतर रहता तो चीज़ें अलग लेवल पे ले जाते जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इस फिल्म में एक रोल दिया गया है उस रोल के थ्रू उनको पूरा वेस्ट किया हुआ है एज एक्टर के तौर पे वो काफ़ी बढ़िया एक्टर हैं वैसे उन्होंने इस रोल के साथ अपना बेस्ट देने की कोशिश की हुई लेकिन रोल ही इतना ट्रे, उसका ट्रेक ही उतना वीक था जिसके चलते वो रोल के थ्रू वो उतना कुछ खास कर नहीं पाते एंड्रिया जेरेमिया श्रद्धा श्रीनाथ रूहानी शर्मा जीसुसेन गुप्ता आर्या मुकेश ऋषि जया प्रकाश इनको जो रोल दिए गए थे उसको थोड़ा और बेहतर तरीके से और मजबूती के साथ कहानी में डाला जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म में लॉजिक की आपको डेफिनेटली कमी नज़र आएगी कई जगह पे कई सारे लूपोल्स नजर आएंगे इसके अलावा फिल्म में जो एक्शन सीक्वेंस देखा देखने को मिलता है वहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर था वो चीज़ों को एनहेंस करने की कोशिश करता है लेकिन बैकग्राउंड स्कोर जिस तरह संतोष नारायण ने डिज़ाइन किया हुआ था वो सभी जगह पे वर्क नहीं कर पाता है एक्शन ब्लॉक में अगर बैकग्राउंड स्कोर बेहतर होता तो चीज़ें और म्यूजिक की वजह से या उन सीन्स में निखर के आ सकती थी कुछ इम्पोर्टेंट मोमेंट में चीज़ें और बेहतर हो सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी जान जानदार थी फिक्सनल सिटी जो तैयार किया गया था वहाँ पे जो बारीक की डिटेल के साथ चीज़ों को हमारे सामने पेश किया गया था आर्ट डायरेक्शन के थ्रू वो काफ़ी बढ़िया था सिनेमेटोग्राफर ने डेफिनेटली उस फिक्सनल विलेज को हमारे सामने बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ था एक आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है जो फिल्म में वो पूरी तरह से इंप्रेसिव था बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का अच्छा था लेकिन थोड़ा और बेहतर हो सकता था एडिटिंग फिल्म की ठीक ठाक है डिसाइन एडिटिंग देखने को मिलती है डायरेक्टर साइलेस शैलेश इस फिल्म के साथ इस कॉन्सेप्ट के साथ एक अच्छा काम कर सकते थे लेकिन वो मिस करते हुए नजर आते कैरेक्टराइजेशन थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था कुल मिला के सेंदव एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आने वाली फिल्म थी जहाँ पे एक अच्छा मैसेज भी डिलीवर किया गया था वेंकटेश की अच्छी परफॉमेंसीज थी एक्शन सीक्वेंस अच्छे थे लेकिन इसके अलावा एक्ट्रेस दूसरे जो कास्ट किए गए थे उनके रोल्स बढ़िया नहीं लिखे गए थे इस फिल्म का नरेशन काफ़ी फ्लैट नज़र आता है वहीं पर कुछ चीज़ें हैं जो इमोशनल सीन्स है उसको बेहतर तरीके से हमारे सामने डिज़ाइन करके दिखाया जा सकता था अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी बिलो रखोगे लो रखोगे तो डेफ़िनेटली फिल्म आप देख सकते हो वैसे इस फिल्म से ज़्यादा कुछ उम्मीद मत रखिएगा सिंधु फिल्म के ऊपर अब बातचीत करें तो आ, इस फिल्म को थिएट्रिकली 13 जनवरी 2024 को रिलीज़ किया गया था संक्रांति के मौके के ऊपर तेलुगू हिंदी तमिल तीन वर्जन में हिंदी वर्जन आरके स्टूडियो के द्वारा डब करके रिलीज़ करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई पे के ऊपर आई के ऊपर तेरह सौ वोट हासिल किए जिसमें पचास के पाँच की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने पचपन करोड़ के बजट के सामने सिर्फ पच्चीस करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन किया लाइफ टाइम का और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी जिसके ओ राइट्स थे वो अमेज़न प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए थे सैटेलाइट राइट्स ई वालों ने खरीदे हुए थे तेलुगु तमिल वर्जनस के लिए जहाँ पे तेलुगु वर्जन अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर उन्होंने तीन फरवरी दो को रिलीज करवा दिया था हिंदी डब वर्जन के राइट्स डेफिनेटली आर के डी स्टूडियोज़ के पास थे जिन्होंने इस फिल्म के हिंदी सैटेलाइट राइट्स से जियो सिनेमा को बेचे हिंदी ओ टी टी राइट्स थे वो खरीदे हुए थे कलर्स सिनेप्लेक्स वालों ने अब इस फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो सेंडो फिल्म को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर तेलुगु तमिल दो वर्जन में आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इसके अलावा तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम डब्ड वर्जन में भी अवेलेबल करवा दिया है वहाँ पे वहाँ पे ये सभी वर्जन चारों वर्जन साउथ इंडियन वाले इंजॉय कर सकते हो और तेलुगु सेटेलाइट वर्जन आपको ई टी वी टेलीविजन चैनल के ऊपर ई टी वी तेलुगु के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहीं पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो आर के डी स्टूडियोज़ के द्वारा डब करवाया हुआ था जियो सिनेमा ने इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है विथ इंग्लिश सब टाइटल जहाँ पे इस फिल्म को आसानी से आप फ्री में हिंदी डब में विदाउट आउट लॉग इन इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में कलर सिनेप्लेक्स टेलीविज़न चैनल के ऊपर प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सेंदव फिल्म के आपको साउथ इंडियन वर्जन से वो देखने को मिल जाएंगे अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर वहाँ पे फिल्म आपको तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी इसी तरह इस फिल्म का जो तेलगू सैटेलाइट वर्जन है वो ई टी वी टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहीं पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो ऑफिशियली ये फिल्म आपको जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी विदाउट सब्सक्रिप्सन सेंधव नाम के साथ वहीं पे इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से सेंधो फिल्म आप, उफ, आपको ऑफिशियली ओ टी टी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर तेलगू तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जनस में देखने को मिल जाएगी तो बस गाय इस सेंदो फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दी है इस फिल्म को किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियली देख सकते हो उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर भी एक जानकारी देती है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू